अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल. टुडे इज द सेकंड मैच ऑफ द वर्ल्ड कप 2023 वेयर पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन. इट इज पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स और पाकिस्तान का मुकाबला जाहिर सी बात है टॉस हो चुका है. सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज इस वक्त ये है आज की खबर कि टॉस जो है वो नेदरलैंड्स ने जीता और पहले बोलिंग का फैसला किया, विच मीन्स पाकिस्तान हैज दिस बिग चैलेंज ऑफ बैटिंग अप फ्रंट और बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट बोर्ड पे लगा सकते हैं एंड फायदा उठा सकते हैं नेदरलैंड्स के अगेंस्ट. बट कैसे बैटिंग करेंगे, क्या करेंगे, ये सवाल जरूर उठेगा. बिकॉज बैटिंग की बात करें तो कल स्टैंडर्ड सेट कर दिया न्यूजीलैंड ने कि किस तरह करनी है बैटिंग इस इवेंट में. जिस तरह न्यूजीलैंड ने कल बैटिंग की विद आउट देयर फोर टॉप लाइन प्लेयर्स, देयर फोर फर्स्ट चॉइसेस, उसके बगैर जिस तरह कल न्यूजीलैंड ने खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट और आउट क्लास किया, उस हवाले से भी बात करेंगे. बट फोकस हमारा डेफिनेटली रहेगा टीम पाकिस्तान के ऊपर. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर. जैसे कि सवेरा भी बता चुकी हैं कि टॉस इस वक्त हो चुका है और अब से कुछ ही देर के बाद जो शाहीन हैं वो बल्लेबाजी के लिए मैदान में पहुंचेंगे. फखर जमान आज का मैच खेल रहे हैं और हसन अली का बाबर आजम ने बताया कि वो आज का मैच खेलेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो 290 से 300 तक रन बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि विकेट के हिसाब से वो ये समझते हैं कि इतने रन उनकी जो टीम है, उनकी जो बॉलिंग है, वो उसे डिफेंड कर सकती है. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमारे साथ मौजूद है स्पार्क्स, क्योंकि शाइन विद स्पार्क्स बहुत जरूरी है. और इसके बाद हम अपने पैनल का तारुफ आपके साथ कराते हैं. बूम बूम लाला हमारे साथ मौजूद हैं. लाला अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. खुश आमदे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. यार आप लोग अपना अपना करें प्लीज. ये आप सलाम करते हो तो मैं पहले सलाम का जवाब फिर उसके बाद करता हूं. इस तरह नहीं जी. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आप सब भी उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. आज आप कोई डिफरेंस देख रहे हैं मुझ में और यूसुफ में? हम देख रहे हैं कि ये दो जुड़वा भाई आए हैं. नहीं, हम तीनों में. आप दोनों एक जैसे, मैं अलग हूँ. हाँ, वही. हाँ, मतलब ये आप डिफरेंस बताएं तो ये डिफरेंस यहाँ हुआ है तो दो जुड़वा. ये आई थिंक ये बीइंग डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मिस्टर शाहिद अफरीदी एक्चुअली ब्रॉट J.com. सबका सुहेल भाई से बहुत ताल्लुक है तो वो इस वजह से J.com ही कह दिया. सो यस यू आर वॉचिंग आवर एनालिस्ट ऑल डिजाइन एंड ड्रेस्ड बाई जे डॉट और देख रहे हैं आप. अभी ये आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना लहर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता और वो लहर जल जो है वो पहुंच जाएगी. सो बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों. इसके हैदराबाद तक आ गए. हैदराबाद तक आ गए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट पाकिस्तान टुडे एक्चुअली. वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट पाकिस्तान. नहीं पहले आप मतलब आर यू बीइंग शाय नाउ? I think I'm little bit embarrassed. I can see you blushing. Mushti bhai, you are blushing right away and everyone can see that reds. But yes, Pakistan team, क्या 11 खिला रहे हैं, क्या पहले बैटिंग कर सकेंगे? बिकॉज अक्सर जब हम टीम पाकिस्तान की बात करते हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल विद बोलिंग फर्स्ट. हम हर दफ़ा बात करते हैं बोलिंग फर्स्ट बट राइट नाउ दे हैव गॉट बैटिंग फर्स्ट. सो कमिंग टूवर्ड्स यू मुशी भाई, आपसे मैं शुरू करूंगी. पाकिस्तान इज बैटिंग टुडे. आई थिंक टॉस तो नेदरलैंड ने जीता है ना जी, तो जी. मुझे नहीं समझ आई कल. वैसे एक्चुअली हम सारे गलत हुए तकरीबन. मैं तो सबसे ज़्यादा गलत हुआ. उसकी वजह पता है क्या है कि सेकंड बैटिंग करते हुए ऐसा लग रहा था कि ये 280 जो है ना ये 300 प्लस रन हैं और जो ग्राउंड की बाउंड्रीज का भी उन्होंने बताया. तो आई डोंट नो पिचेस जो इंडियंस की हैं इंडियन पिचेस के ऊपर. आई थिंक मुझे लगता है ये ट्रेंड शुरू होगा कि पीपल विल बैट सेकेंड, विन द टॉस एंड बैट सेकेंड. शाम को कल आपने देखा अंडर द लाइट्स पिच और भी अच्छी फ्लैट हो गई थी. दूर जो मतलब एक विकेट पे उन्होंने 280 कर लिया. हाँ. तो इसका मतलब है कि उनको पता है जितनी भी टीम में आई हैं उनको पता है कि यहाँ की पिचे फ्लैट है और अंडर द लाइट्स इट बिकम मोर फ्लैटर. सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डिसीजन उन्होंने कल के मैच को देख के उन्होंने लिया होगा. और उन्होंने ये भी कहा होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग वनरेबल है, इसको अगर हम जल्दी आउट कर लेते हैं मतलब एक दो विकेट हमें जल्दी मिल जाते हैं तो हम इनको 240-50 पे अगर पकड़ भी लेते हैं तो दे हैव अ चांस. बिकॉज एज आई सेड यस्टरडे के 70-80% उनके जो प्लेयर्स हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं और काउंटी क्रिकेट के वाले जितने भी लड़के होते हैं उनको आदत होती है लंबी बैटिंग करने की. बिल्कुल. बट कंडीशंस आसान होना या उन कंडीशंस को अच्छे से अवेल करना, बिकॉज जब हम कल की मैच को देखते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड तो जहां जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग की दे वेरिएटेड विद देयर पेस, उन्होंने उसका फायदा उठाया कि बॉल ग्रिप हो रहा है तो उसका फायदा भरपूर उठाया. बट इन कॉन्ट्ररी जब इंग्लैंड के बोलर्स आए
उन्होंने अपनी पूरी पेस अपनी जान मार के, और जब ग्रिप हो रहा हो और आप पूरी जान मारें तो फिर बल्ले पे सही आना शुरू हो जाती है बॉल। क्या उन्होंने सही तरीके से अवेल नहीं किया उन कंडीशंस को? मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड, जिस तरह मैं कल बात कर रहा था कि उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़े ज़बरदस्त हैं, अगर आप वार्म अप मैच देखेंगे इस पाकिस्तान बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उनके बैट्समैनों ने। वो लड़का भी जो पाकिस्तान के खिलाफ ओपन कर रहा था, यहाँ पे 3 नंबर पे खेल रहा था, नया प्लेयर है बिल्कुल, लेकिन उसकी बैटिंग देखें तो सही, उसका टेम्परामेंट कितना ज़बरदस्त था। वो रन किए तो लंबे रन किए, नया प्लेयर है, लेकिन उसकी सोच माइंडसेट चेक करें इन बच्चों का। दूसरी चीज़ ये कि हम कल अगर इंग्लैंड को हम ये समझ रहे थे कि क्या पता जीत जाए, उसकी जो सबसे बड़ी वजह मैं आपको दे रहा था या हम आपको दे रहे थे वो आदिल रशीद या हम मुईन अली के ऊपर चांस ले रहे थे कि बॉल क्या पता टर्न कर जाए तो स्पिनर्स यहाँ पे आउट करना शुरू कर दे। लेकिन क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग और बहुत पॉजिटिव माइंड सेट के साथ वो लोग खेले, कहीं फील नहीं हुआ कि उनके ऊपर प्रेशर है। एक आउट होने के बावजूद, जो पहली बॉल पर आउट हुआ उसके बावजूद उनके बैट्समैनों ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, सो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। नहीं खेल रहा था और फिर भी बहुत ज़्यादा ने शाहिद ने जो सॉरी बिफोर यू गो टू यूसुफ शाहिद ने बात की जो स्पिनर्स की ना, ये मोइन अली को इन्हें बहुत लेट लेके आए हैं। जैसे ही उनकी पहली विकेट दायां हाथ वाला आउट हुआ, दोनों खब्बे आ गए थे, दे कुड एक्चुअली ब्रिंग मोइन अली स्ट्रेट अवे टू गेट अ विकेट, बिकॉज जब आप सेट हो जाते हैं इन फ्लैट पिचों के ऊपर, इट डज नॉट मैटर कि आप लेफ्ट हैंडर्स हो के नहीं हो, आउट करने पड़ेंगे, आउट करने पड़ेंगे। अच्छा, हम इस मैच के वाले से भी साथ डिस्कशन पूरे अपने शो में चलती रहेगी हमारी। लाला यूसुफ भाई के पास जानू, इससे पहले शादाब खान के वाले से सवाल है। उसामा मीर को आप मुसलसल कह रहे थे कि उसामा मीर को आज चांस मिलना चाहिए, लेकिन आज शादाब फिर खेल रहे हैं। 11 है हमारे पास, अगर हम शायद 11 दिखा सकें हमारी प्रोडक्शन टीम बता। देखिए मे बी क्या पता, मैं अपनी अपना वो बता रहा हूँ, मे बी ये वजह हो कि आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, नेदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, तो क्या पता उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, वो आउट करे, 3-4 आउट करे, और बड़े मैच से पहले वो नेक्स्ट मैच के लिए उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए मे बी ये वजह हो सके। अदरवाइज उसामा मीर का बैठना मैं मुझे समझ नहीं आया अभी तक। एक लड़का इतने अरसे से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सिर्फ मसला है कि उसके आगे वीसी नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहा। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से शादाब को चांस दिया कि आए जरा 4-5 आउट करे, ताकि नेक्स्ट मैच में उसको कॉन्फिडेंस मिले। भाई प्लेइंग 11 से आपके साथ तक मुतमिन है? साउथ शकील आए हैं टीम में और शादाब और नवाज खेल रहे हैं आज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, साउथ का तो पहले ही नज़र आ रहा है जिस तरह वो खेलता है, भी किया था अगेंस्ट स्पिन वो बहुत अच्छा खेलता है। अभी तक फास्ट बॉलिंग पे देखा नहीं ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह की सर्फिसेज पे खेल रहे हैं आखिरी 3-4 महीने में या उससे भी पहले, पाकिस्तान में भी जब इसका डेब्यू हुआ है वो सारी स्लो और टर्निंग विकेट, स्लो टर्न भी इतना स्लो ज़्यादा थी, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है, फिट है और स्पिन के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेलता है। रिवर्स स्वीप, सीधी स्वीप, ये सारी चीज़ें वो करता है और एक्स्ट्रा कवर खेलता है, गैप में खेलने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा इसको लिया है इन्होंने। और शेडी जैसे अफरीदी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसको कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं कि एक नेदरलैंड बाकी टीमों के मुकाबले में थोड़ी हल्की टीम है, लेकिन वर्ल्ड कप में आई हुई है, टॉप 10 टीमें हैं ये, इतना इनको तो हल्का नहीं लेना, हमें बोल सकते हैं इनको नहीं लेना चाहिए हल्का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है यही वजह हो कि उसको कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं, ताकि वो, अगर आप उसके पहले 5 ओवर देखें ना लास्ट गेम में ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, उसमें उसने कम रन दिए हुए थे बनिस्पे उसके, लेकिन उसने 2 विकेटें ली हुई थी। थोड़ा सा ये है कि एक काफ़ी अरसे से खेलता हुआ आ रहा है शेडी, इस वजह से भी शायद उसको दे रहे हैं। बहरहाल ये मैनेजमेंट का एक डिसीजन है, वो कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस शायद वाली बात बिल्कुल ठीक, कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे, बट आपकी बात से मैं यहीं से वो आती हूँ, शादाब को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं बट उसामा का कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हैं, ये तो फिर तजाद हो गया ना, बिकॉज एक लड़का जो कि देख रहा है वार्म अप में मैं सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ स्पिनर्स के खिलाफ और मैं नहीं सिलेक्ट हो रहा, तो अब वो भी तो कहीं दिल में सोच रहा होगा मैं करूँ क्या, और वॉट एल्स शुड आई डू टू बी ए पार्ट ऑफ दिस 11, मैंने पूरा एशिया कप बेंच पे बैठ के गुजारा है, मैं अब फिर कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अब फिर अपना स्पार्क दिखाया बट मैं फिर नहीं हूँ 11 में। आई थिंक ये आपने ये माइंड सेट से पता चलता है कि आप प्लेयर को डेवलप करना चाह रहे हो, प्लेयर का कॉन्फिडेंस वापस लेना चाहना चाह रहे हो कि आप टूर्नामेंट जीतने जा रहे हो। टूर्नामेंट जब आप जीतने जाते हो तो फिर प्लेयरों को आपने सामने नहीं रखना होता, फिर आपने बेस्ट 11 सामने रखनी, टीम को सामने रखनी होती है। ये एक फाइन लाइन है जिस पे आप कहते हैं कि जी शादाब का, अगर जिस तरह शायद ने कहा बड़ा अच्छा किया डिस्क्राइब किया कि उसको 3-4 विकेटें मिले, उसका रिदम वापस आए, ही कैन बी ऑल्सो अ मैच विनर, बट जो ग्लिम्स आपको नजर आ रहे हैं पिछले कोई 8-10 मैचों से, उस ग्लिम्स के ऊपर फिर आपने फैसला करना होता है कि बड़ा टूर्नामेंट है,
एक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस पे बॉलिंग कर रहा है, तो फिर मेरा भी यही मानना लगता है कि उसको ही खिलाना चाहिए था। उसकी रीजन पता है क्या है कि इस मौके के ऊपर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती, इस मौके के ऊपर आपको वो बंदे खिलाने पड़ते हैं जो आपको मैच जिता के दिखा सके, टूर्नामेंट जिताए। कल रविंद्रा को देखा हमने, उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिया, लड़के को चांस भी दिया, उसने अपने आप को साबित भी किया। अच्छा, कॉन्फिडेंस अगर शादाब की हम बात करें कि शादाब को कॉन्फिडेंस मिलता है, तो हमने एशिया कप में जाते हैं अगेंस्ट नेपाल, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स नहीं, कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन बाद में जब बड़े मैचेस आए तो उसने हमें हिट बैक किया। देखिए, मैं और शायद लेग स्पिनर हैं, अब आई थिंक शायद भी अपना ओपिनियन रखता होगा इस बात पे। जब लेग स्पिनर का रिदम बुरा होता है ना जिन दिनों में, उसको ब्रेक चाहिए होती है, उसको फोर डे क्रिकेट चाहिए होती है, रेड बॉल क्रिकेट खेलनी पड़ती है। ये अब ये एक या तो एक्शन बहुत रिपीटेबल हो आपका, अगर एक्शन में भी थोड़ी सी कमी होती है आपकी, रिपीटेबिलिटी नहीं होती, तो फिर आपको फोर डे क्रिकेट खेल के अपना रिदम वापस लेके आना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास मैचेस हैं शायद आपके, इससे ज्यादा मैचेस नहीं। यही कहने का मतलब है ना कि एक आपके पास दोनों ऑप्शन है ना, मैं और शायद दोनों लेग स्पिनर हैं। अगर मेरी फॉर्म बुरी है तो शायद की फॉर्म अच्छी है, तो आपने है तो कैटेगरी तो वही है ना, शायद का लंबा भी है मुझसे, उसका बाउंस भी ज्यादा हो रहा है, उसका रिदम भी है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा, उसका ड्रिफ्ट भी हो रहा है, तो फिर आपने उसी बंदे पे चांस लेना होता है जो आपको मैच जिता दे, टूर्नामेंट जिताए, क्योंकि यू लुक फॉर विनिंग अ टूर्नामेंट, नॉट फॉर वन गेम, यू नॉट फॉर वन प्लेयर। अब ये एक ऐसी बात है जिस तरह हम फखर की बात किए जा रहे हैं कि उसकी फॉर्म का आना बहुत जरूरी है। अगर फखर फॉर्म में नहीं है तो आप 15 के जो प्लेयर एज यू सेड सवेरा के जो बेंच के ऊपर बैठे होते हैं बंदे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाता है, क्योंकि 2-3 मैचों के बाद फिर अगर वो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करता तो जो बेंच पे बैठा होता है उसके ऊपर डबल प्रेशर पड़ जाता है। और देखिए, बेंच हो तो फिर ऐसी हो जैसी कल न्यूजीलैंड की थी कि आपने अपने मेन प्लेयर्स बिठाए और बेंच ने, मतलब 15 के 15 वो प्लेयर्स होने चाहिए जो आए और खेलें और रिस्पॉन्ड करें। बट हम जो बात कर रहे हैं कंडीशंस की, इंडिया की कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि क्यों टॉस जीत के जो है ऑप्ट कर रही हैं टीम्स पहले बॉलिंग करने के लिए। बट लाला, एक चीज हमने काफी बात की शादाब के बारे में भी, और जिस तरह फोर डे क्रिकेट की बात की मुशी भाई ने, मौका आया था शादाब के पास, अभी बीच में गैप जब आया था एशिया कप और वर्ल्ड कप के बीच में, उस गैप में 2 कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस ऐसे थे जो शादाब ऑप्ट कर सकते थे, एक तो खेल ही सकते थे। बट यस, ऑब्वियसली फैमिली के साथ आप टाइम गुजारते हैं, इतना बड़ा आपका ट्रिप होता है, आप उस तरह भी सोच रहे होते हैं। बट बाकी और प्लेयर्स की जब हम बात करें, अभी हमने अब ये देखा कि ये कॉम्बिनेशन हमारे पास सेटल हो गया, फखर जमान जिस तरह की अभी विकेट दिख रही है, विकेट बहुत अच्छी दिखी, जितना स्लाइड दिखा है, आप लोग अगर विकेट, आप ज़्यादा करीब बैठे हुए हैं, आप बता सकते हैं कि विकेट कैसी थी। बैटिंग यहाँ पे आसान होगी फखर के लिए, स्पेशली फखर के लिए, सिर्फ फखर के लिए नहीं, बैटिंग तो फखर का बैटिंग पिचेस से ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, उसका कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है। उसकी यूसुफ टेक्निक की बात करता है वो फखर की, कि एक दो चीज़ें वो बेहतर करेगा तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए फखर को, कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और खुद आप से अपना, आप खुद अच्छे कोच हो अपने, आपको पता है कि आपके अंदर क्या नेगेटिव चल रही है, पॉजिटिव कितना चल रहा है, तो आप अगर जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही फायदा होगा। पास्ट को भूल जाएं, आज के दिन फोकस करें, आज के दिन को अपने लिए जबरदस्त करें, परफॉर्म करें और कॉन्फिडेंस के साथ टीम अगला मैच खेलें। और जहां तक पिचेस का ताल्लुक है, सवेरा पिचेस सारी अच्छी होंगी, चाहे आप बैटिंग पहले हो, बैटिंग सेकेंड हो, पिचेस आप देखिएगा सारी मजेदार होंगी, बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज सारे बैट्समैन के लिए, जो फॉर्म में नहीं है वो अपने आप को फॉर्म में लेके आ सकते हैं, जो फॉर्म में है वो फॉर्म में तो है। मुशी भाई, आपने कहा था कि पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो मैं तमाम मैचेस में कहूंगा बैट फर्स्ट करे, आज हम टॉस हारे लेकिन बैट फर्स्ट कर रहे हैं, तो हमें एडवांटेज मिल जाएगा इसका? आई थिंक मैं भी थोड़ा सा टिल्ट हो रहा हूँ अपनी ओपिनियन के मुताबिक, कि यहाँ पे जो कल मैच देखा गया ना, जो पिचे आई हैं, तो जिस तरह इन्होंने भी, हॉलैंड वालों ने भी अपना टॉस जीत के बैटिंग सेकंड करने की कोशिश की है, यहाँ से साफ शेन वॉटसन की बात सुने, शेन वॉटसन ने कहा कि अंडर द लाइट्स बॉल विल कम इवन बेटर ऑन द बैट। सो आई थिंक अगर ये सिनेरियो है तो ऐसी पिचों के ऊपर 5 फील्डर सर्कल के अंदर हों तो आपके पास चांस है 270, 280, 300 भी चेस करते हुए, वन गुड पार्टनरशिप यू कैन गेट 300। एग्जैक्टली, अंडर द लाइट्स द कंडीशंस वुड बी मोर डेंजरस एंड मोर लुक्रेटिव फॉर बैटिंग। मगर वक्त इस वक्त ब्रेक का हुआ है, बट ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चले, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हम किसी तरह जोर का जोड़ में इन्वॉल्व ना करें। सो यस, आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी आप लोगों को वीडियोस दिख रही होंगी लाला, मुशी भाई की, यूसुफ की, कि हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं #AskZKJ। सो आप
आपने क्या करना है, सवालात पूछने हैं, ये लेजेंड्स यहाँ मौजूद हैं एंड इन सवालात का जवाब जो है वो आज हम लोग आप लोगों को देंगे। 2:30 से 3 बजे तक का ये टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे हमारे लेजेंड्स इन सवालों के जवाब देंगे। सो डोंट फॉरगेट कि जो भी सवाल पूछेंगे #AskZKJ लिखना बहुत जरूरी है, बी इट ट्विटर, बी इट फेसबुक, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमारे यूट्यूब पे भी जो है वो कमेंट करके सवालात पूछ सकते हैं। सवाल अच्छे पूछिएगा कि आपका सवाल इस शो का हिस्सा बने और हमारे लेजेंड्स आपके सवालों का जवाब दें और आपका नाम लें। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि एक लेजेंड की तरफ से आप लोगों के नाम सामने आए। बट विद दैट, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे सो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jor World Cup 2023 special. The second match of the World Cup 2023 is on right now. It is Pakistan versus Netherlands. Netherlands ne toss jeeta. Toss jeet ke pehle bowling ka faisla kiya. Right now it is Fakhar Zaman and Imam Ul Haq on the wicket. Aur is waqt jo hai akalmandi shayad Netherlands ne ye kiya ki spinners se apna start kiya hai. कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटेजी बना के आते हैं। मुशी भाई, ये स्ट्रैटेजी बड़ी एप्ट है वैसे पाकिस्तान के खिलाफ कि आप अटैक ही शुरू करें तो स्पिनर्स के साथ। आई थिंक मैं जब दूसरी टीमों को ये पता है कि दो लेफ्ट हैंडर्स खेलने हैं तो अगर उनके पास ऑफ स्पिनर है तो वो सीधे लेके आएंगे। और स्पेशली जब ये टॉस जीत के अभी देखा है, पहला ही बॉल स्पिन हुआ है और जब यहाँ पे चीखें निकल गई हमारी तो मैं कह रहा हूँ कल इंग्लैंड ने थोड़ा एक मिस्ट्री किया ना, जैसे उनको पहली विकेट मिली उन्होंने मोइन को बहुत लेट लेके आए, जब 100 हो गया था तब मोइन को लेके आए। इसमें आपने स्पिनर को बचाना नहीं है, हम पूरे जोर के जोर में यही बात करते हैं, इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए टीमों को, कप्तानों को चांस लेना पड़ेगा, प्रोएक्टिव डिसीजन करने पड़ेंगे। अगर उनको पता चलता है कि दो खब्बे आए हैं, उनके पास ऑफ स्पिनर है, दे शुड बॉल देम बिकॉज क्योंकि DRS की वजह से LBW भी आजकल तो आप अंपायर कॉल के ऊपर भी विकेट ले सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे एलिमेंट को सामने रखते हुए आपने प्रो डिसीजन करने होते हैं, प्रोएक्टिव डिसीजन करने होते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि ऑफ स्पिनर का दो लेफ्ट आर्म के सामने मेक सेंस। ठीक है, फखर ने 3 चौके लगा दिए, स्टार्ट अच्छा है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम तो घबरा रहे हैं कि वो फखर की फॉर्म हमें ज़रूरी चाहिए, लाजमी चाहिए, लेकिन 3 चौके लगा दिए, कॉन्फिडेंस मिलेगा कुछ इससे। अब मेरा ख्याल आए फखर रन्स करेगा क्योंकि जब एक तो वो मशहूर है कि उसके सर पे बॉल लग जाए उस पर रन्स करता है और ये अभी एक उसकी ऑन ड्राइव खेलने के कवर के ऊपर से गया है तो लग रहा है लक साथ देगी और इंशाल्लाह रन्स करेगा और ज़रूरत भी है। और देखें, इसके एक दफ़ा रन्स मिल गए ना इसको तो ये डेंजरस प्लेयर है। जब सेकंड टाइम जब बारी आएगी जहाँ उस वक्त इतना ग्रिप नहीं होगा, बैट पे बॉल आ रहा होगा, उस वक्त ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा क्योंकि जिस तरह ये खेलता है वो फिर मैच एक साइड पे कर देता है। और मुझे जो लगता है कि स्पिनर को ये ज़्यादा डेंजरस खेलता है जब सेट हो जाता है, फिर इसकी जो हिटिंग है वो ज़्यादा रेंज है इसके पास है हिटिंग करने की और फील्डर 5 अंदर होते हैं और इसके लिए आसानी हो जाती है। तो लग रहा है कि आज ये इंशाल्लाह रन्स करेगा और इसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, अगले मैचेस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बिकॉज एक ओपनर सेट करता है पूरा मोमेंटम पूरी टीम का कि आगे टीम कैसे खेलेगी। एंड वंस अगर फखर और इमाम एक अच्छा स्टार्ट ऑफ दे देते हैं सो प्रेशर ऑफ हो जाता है बाबर आजम के ऊपर से, डाउन द ऑर्डर रिजवान जब आते हैं, सऊद अब आएंगे, वो प्रेशर ऑफ हो जाएगा बिकॉज आपके एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया होगा। सवेरे स्टार्ट चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग स्टार्ट तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फायदा यही है कि नया बॉल अगर कोई कर रहा है तो विकेट चाहिए, बैटिंग कर रहे हैं तो रन चाहिए आप तो, क्योंकि सर्कल भी है साथ में, तो स्टार्ट किसी बैटिंग बॉलिंग दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे मुशी भाई से पूछना चाह रहा हूँ, मुशी भाई जैसे पिच एक ये भी बड़ा डिसीजन था कि पिच रीड करना भी एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता, रीड किया एंड देन उन्होंने डायरेक्ट ऑफ स्पिनर लिया और ऑफ स्पिनर का जिस तरीके से बॉल ग्रिप किया पहला ओवर जो हमने देखा है, तो आप समझते हैं कि सेकेंड इनिंग में भी पिच ग्रिप करेगा अंडर द लाइट या अच्छा बैट पर आएगा, क्या कहते हैं कि ये जो टॉस का जो डिसीजन था ये अच्छा डिसीजन लिया है? आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन, शायद कल भी हम थोड़ा सा मिस्ट्रिक कर गए हमने सब, मेरी ओपिनियन तो बहुत गलत हुई है कल मगर ये इसमें देखा जाए तो आप जो जैसे सुबह दोपहर का होता है ना एशियन पिचर के ऊपर, इंडियन पिचर्स के ऊपर आपका इवन पिच फ्लैट भी हो ना तो ड्राइनेस की वजह से ना स्पिन होना शुरू हो जाता है शुरू में और शाम को जो अंडर लाइट्स होती है ना उसकी वजह से कई दफा आपको स्पिन नहीं मिलता, अगर मिलता भी है ना डिपेंड करता है सेकंड टाइम एज यू सेड कि जो पिच को रीड करते हैं ना उनके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। और समटाइम्स इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर कोच या प्लेयरों में से कोई बंदा रीड कर लेना पिच को
वो लोग बड़ा अच्छा ये मैं समझ गया। अब आप ये भी जरा लोगों को बताएं कि जब पिच सेकंड इनिंग में बेहतर हो जाती है उसकी वजूहत क्या होती है, किस तरह बेहतर हो जाती है? अच्छा, शायद कई दफा अंडर लाइट जो होती है ना, जो हीट होती है, वेंटिलेशन आपकी वो होती नहीं है, ग्राउंड के इर्द गिर्द हवा चलती नहीं है, तो जो जो सुबह का जो हार्डनेस होती है ना वो उसके ऊपर आपके खेलते खेलते आपको 300 बॉल आपने खेलने होते हैं। उसके बाद आपने रोलर लेना होता है जो कि 7-8 मिनट का होता है, ठीक है, वो हैवीनेस के साथ, फिर अंडर लाइट और शाम का जो मॉइस्चर होता है ना, जिसको अभी बुखारात कहते हैं हम साइंस में, वो जो मॉइस्चर होता है ना वो पिच के ऊपर हल्का हल्का आता है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो जो रोलर हो जाता है उसके ऊपर जो कहते हैं ना स्किड और करने लग जाता है, तो ये एक टेक्निकल चीज है, जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना वो पिच के ऊपर हल्का हल्का आता है ना, जो हमें नजर नहीं आता, और उसके ऊपर लाइट्स पड़ती हैं, तो पिच और भी शीशे की तरह अच्छा हो जाता है। बट फिर उसके कॉन्ट्ररी एक और सवाल के अक्सर पिच का जो वेयर एंड टेयर होता है वो भी तो कभी गले पड़ जाता है कि नहीं जी बाद में पिच, हर दफा नहीं होता, एवरी टाइम दिस डज नॉट हैपन इन एवरी ग्राउंड कि नहीं जी अंडर द लाइट्स पिच अच्छा खेलने लगेगा, कभी कभार पिच डिटोरिएशन की वजह से भी खराब हो जाती है, वो भी तो कभी एक इशू बनता है। एशिया कप में हुआ ना, जोर के जोर में हम बैठे थे, हम क्या 200, 300, 220, 210 भी करें तो यू कैन स्टिल विन द गेम। रीजन क्या है, वहां पे लाइट जो होती है वो और भी पिच को खराब कर देती है, मतलब और भी आपको जो अगर स्पिन स्लो हो रहा होता है वो तेज होने शुरू हो जाता है, क्योंकि पिच का रीड करना बहुत जरूरी है। इस सरफेस के ऊपर जो शायद के क्वेश्चन बड़े अच्छे वैलिड क्वेश्चन है कि आपका हार्ड पिच है, हार्ड पिच के ऊपर इसने और तगड़ा होना है, और हार्ड होना है, उसकी वजह पता है क्या है, कि उसकी वजह जो हम मॉइस्चर की बात करते हैं, जो इन दी एयर मॉइस्चर है, श्रीलंका में टोटली डिफरेंट है, सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड पिच। इस वक्त जो इस वर्ल्ड कप में टीम्स खेल रही हैं लाला, उसमें आप क्या समझते हैं, जैसे कल न्यूजीलैंड ने पहले मैच में बड़ा जबरदस्त उन्होंने पिच को कंडीशन को रीड किया, सबको सरप्राइज किया उन्होंने, सबसे अच्छी पिच रीडिंग किस टीम की, हिस्ट्री किसकी अच्छी रही है सबसे इस हवाले से, कंडीशंस को रीड करना, पिच को रीड करना, किस टीम की रही होगी यार? कौन ऐसे कप्तान थे जो अच्छी पिच रीड करते थे? मलिक साहब बड़ी अच्छी रीड करते थे, सलीम मलिक साहब, जावेद भाई, इनकी रीडिंग बहुत अच्छी थी। पिच जैसा भी हो, मिसबा उलक इतना डरपोक डिसीजन लेता पिच अच्छा फ्लैट पिच होगा साथ में होगा, वही हमें तो पहले जो है ना बॉलिंग करनी चाहिए। तो खैर हर एक अपना अपना तरीका है, लेकिन आई थिंक इसमें जावेद भाई, सलीम भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, वो बहुत अच्छी रीड करते थे पिच, और यूनस की अवेयरनेस भी बहुत अच्छी थी पिचेस के अंदर, ये बड़ा जरूरी है, यूनस खान का बहुत उसका उसको आर्ट का पता था इस चीज का। ये यूसुफ आपकी कैसी फॉर्मर कैप्टन हमारे, आप भी मैं विकेट पे इतना शुड एक्चुअली ही टुडे यूसुफ हाउ वर यू, हाउ गुड वर यू व्हाइल रीडिंग द पिच? मैं नहीं रीड कर पाता था, मैं सिर्फ ये जब मैं एक दो बॉल खेल लेता था फिर मुझे आईडिया होता था कि इसको मैंने कैसे खेलना है, ये बड़ी बात, मैं उस पे नहीं, अगर आप उस पे कमेंट कर सके, जावेद मियांदाद सर द लेजेंड, टॉस हुआ और उन्होंने कहा कि मैं आई विल गो बैक टू द ड्रेसिंग रूम देन आई विल लेट यू नो कि वी आर गोइंग टू बॉल फर्स्ट और बैट फर्स्ट, इंसिडेंट याद है आपको? इस तरह का भी इंसिडेंट हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था ये, अच्छा और हम जो बार बार बात कर रहे थे कि यस डोंट कर्स फखर जमान, अब ये देखे ना, ये अब ये आउट हुआ ना, अब मैं आप लोगों को पहले भी कहता रहा हूँ कि ये नए बॉल पे पता नहीं क्यों जाता है आगे, बॉल को आने तो दे अपने पास, और ये पिच ऐसी नहीं है कि आप खुल के दूर वाली बॉल को लेके चले, थोड़ा बॉल को आने दे, तो ये वो गलतियां बार बार पिच बनाई नहीं है, बताए कैसे पाकिस्तान हैज स्कोर्ड 15 रन, एक विकेट का नुकसान हो चुका है, फखर जमान हैज गॉन बैक टू द हट, और यस अभी 3.4 ओवर चल रहे हैं, अंदाजा हो गया था, अब खिंचा हुआ बॉल है, बॉल को आने दो, अगर ये कौन सा शॉट है, आधा शॉट मारना है तो फिर बुरा मारो, देखिए अभी शायद यूसुफ ने जो बात की है पता है कितनी गहरी बात की, इसने कहा दो बॉल मैं खेलता और उसके बाद मुझे पिच का अंदाजा होता और मैं अपने गियर चेंज कर लेता कि मैंने यहाँ पे लेट खेलना, मैंने सिंगल का सोचना, मैंने सेट होना, तो ये जो बातें हैं ये आपको एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल बहुत जल्दी अडैप्ट करनी पड़ती हैं। अगर आप अडैप्ट नहीं करते, अगर बॉलर एज ए बॉलर, वो ऑफ स्पिनर क्या कर रहा है,
अच्छी लाइन पे ला के स्पिन करने की कोशिश कर रहा है, वहां से नेचुरल वेरिएशन जिसे हम कहते हैं कोई सीधा रहेगा, जो कई दफा हमें एज ए लेग स्पिनर को नहीं पता होता, हम लेग ब्रेक करते हो सीधा रह जाता पिच से, तो जो अगर वो लाइन लेंथ पे कंट्रोल करेगा चौके से नहीं घबराएगा तो उसके पास चांसेस ज्यादा है विकेट लेने के। सो ये इट्स वेरी सिंपल, यू गॉट टू टेक योर मतलब कहते हैं रिपीटेबिलिटी ऑल द टाइम। एंड वैन बीक इज नॉट अ न्यू पर्सन, ही इज अ सीजनड कंटेनर, डर्बीशायर से ये खेलते रहे हैं। मैं इनके अगर स्टैट्स पे नजर डालूं 124 लिस्टें खेले हुए इन्होंने ऑलरेडी, सो ही इज वन सीजनड प्लेयर, इनको अच्छी तरह अंदाजा है कि किस तरह ट्रैप करना था और वो उसी तरह ट्रैप किया। फखर जमान अगेन, जहां हम कह रहे थे फ्लो मिल जाएगा नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, डिसअपॉइंटेड बहुत ज्यादा। और मुझे उसकी फिक्र है, आई नो कि वो किस माइंडसेट के साथ इस वक्त होगा और क्या चीज़ें चल रही होंगी, खासतौर पे जब आउट होके वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ चल रहा होगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसके जहन में चल रही होंगी और मेरे ख्याल में रात भी बड़ी मुश्किल से गुजरी होगी सोच सोच में कि क्या होगा कैसे होगा। तो ये वो प्लेयर के ऊपर एक बहुत मुश्किल टाइम आता है नो डाउट, लेकिन हकीकत में निकलना प्लेयर ने ही होता है। और क्योंकि मैं तो खैर प्रॉपर बैट्समैन नहीं था, यूसुफ आपको बेहतर बताएगा, लेकिन जब आपसे रन नहीं हो रहे होते ना, आप कभी और कोशिश होती कि मैच में जाके ना मैं थोड़ा 25-30 बॉलें खेलूं, फील करूं पिच को, फील करूं कॉन्फिडेंस, फील करूं मिडल करूं जरा बॉल के, कुछ दिन इनके आपको खेलनी पड़ जाती है इस तरह। और आज की जो पिच है वो वाकई टाइम लेने वाली पिच है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर 4 पे खेलते रहे जब सिर्फ स्पिनर लगे हों, यूसुफ ऐसे बैटर, मतलब ऑब्वियसली हम फखर की बार बार बात करते हैं, लाला ने कहा मुझे सबसे ज्यादा ये अब है कि वो जब वॉक करता हुआ जा रहा होगा क्या क्या जहन में चल रहा होगा, हाउ डिफिकल्ट दैट इज, ब्लीक टाइम ऑब्वियसली आपके करियर में भी कहीं आपके ऊपर वो ब्लीक टाइम आया होगा, कितना मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए, एंड मैनेजमेंट उस चीज पे क्या कर सकती है, व्हाट कैन दे डू विद फखर? क्या हम तो बड़ी आसानी से यहाँ बाहर बैठ के कहेंगे बिठा दें जी अब्दुल्ला को, खिला दें उसको, बाहर रखें थोड़ी देर, दूर रखें मैच से, बट इज दैट द राइट अप्रोच? मेरे साथ हुआ था एक 2000 में हम गए थे वेस्ट इंडीज, ट्रायंगुलर सीरीज थी पहले, फिर टेस्ट मैचेस थे, तो मैंने 7 मैचेस में पता नहीं 92 या 94 रन बनाए थे, तो मुझे जैसे अफरीदी कहें नींद नहीं आती थी, ऐसे हर बार मैं जब जाता था आउट हो जाता था जब, लेकिन मैंने भी इन्हें ड्रॉप नहीं किया। मोइन भाई कप्तान थे, इंजी भाई वाइस कैप्टन थे, जावेद भाई कोच थे, तो जब टेस्ट सीरीज आई तो उस टाइम मुझे ड्रॉप करने का सोचा गया, लेकिन मोइन भाई और इंजी भाई ने मुझे बैक किया और फिर पहले टेस्ट में, फिर पहली इनिंग में मैं जल्दी आउट हो गया, फिर मुझे दूसरा टेस्ट मैच खिलाया, फिर मैंने 100 किया बारबाडोस में, फिर मैंने अगले टेस्ट में फिर 100 किया। और कितने अरसे का फेलियर था ये बीच में? लेकिन यूसुफ का ये था, यूसुफ की तो परफॉर्मेंस चलती भी आ रही थी, ये एक सीरीज की बात कर रहा है, 8 इनिंग्स कब वो राइट टाइम होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया, अब देना इस लड़के को रेस्ट जरूरी है? अब देखिये उन्होंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन मोइन भाई और इंजी भाई ने मेरे पे कॉन्फिडेंस किया, उन्होंने मुझे मौका दिया, हालांकि टेस्ट में फिर पहली इनिंग में मैं फेल हो गया था, जो हमारा गियाना टेस्ट था वो बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था, बारबाडोस में फिर मुझे उन्होंने मौका दिया, ऊपर से जल्दी विकटें गिरी, मैंने और इंजी भाई ने 100 किया, फिर उसके बाद एंटीगा में मैंने फिर 100 किया। तो ये अगर चीज़ ये थी कि जो मेरी बेसिक्स थी मैं उसको नहीं छोड़ रहा था, मैं फेल हो रहा था उसमें, सारी चीज़ें थी, जावेद भाई में प्रैक्टिस भी कराते थे, ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं कराते थे, वो कराते थे और मैं खुद भी चीज़ें देख रहा होता था, इंजी भाई से बात करता था, थोड़ी उनकी चीज़ें देख रहा होता था, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था, मेरा 98 में डेब्यू हुआ, ये 2000 की बात है, तो लेकिन जो बेसिक्स थी, जो कुदरती अल्लाह ने एक सलाहियत दी हुई थी उस पर, उसकी वजह से मैं बचता रहा हूँ। तो ये जो अभी बात हो रही है, जैसे अफरीदी ने भी कहा कि इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था, ये अगर नॉर्मल विकेट भी हो तो मेरा ख्याल इतनी दूर नहीं खेलना, अनलेस के बहुत फ्लैट विकेट होती है उस पर दूर दूर से भी लगती हैं, जैसे मुझी भाई ने भी कल बताया कि इंग्लैंड में बास का बहुत फ्लैट विकेटें हो जाती हैं, दूर दूर से लग रही होती हैं, तो ये ऐसी विकेट थी, इस पर आपको ग्राफ करना पड़ेगा अपने आप, मतलब जो पहला वार्म अप पाकिस्तान ने जो खेला था वो विकेट शायद ऐसी थी जहाँ पे आप खुला खेल सकते हैं। दूसरा ये यूसुफ बात कर रहे हैं ना, ये बीए के कोच बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कोचिंग में, जब आपकी टेक्निक अच्छी नहीं ना होती फिर आपका फेलियर बहुत बुरा लगता है, लंबा होता है, अगर आप बॉलर अच्छे, आपकी टेक्निक बॉलिंग में अच्छी नहीं है तो आपका फेलियर बहुत जल्दी एक्सपोज होता है। यूसुफ, इसलिए यूसुफ को बैक किया गया उस वक्त, इनको पता था कि इसके अंदर ये तप्पड़ है, इसके अंदर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर शायद मेंटली ही इज अनलकी, बैड टाइम, यू नो सम टाइम आपके कैचेस अच्छे हो जाते हैं, आप एक टाइम आता है उसके उसके ऊपर फिर एज ए कोचेज और मैनेजमेंट आप डिसीजन करते हो, जब आपकी टेक्निक बुरी होती है ना
उसके ऊपर 8-10 मैच चले जाएं, फिर आपको ज्यादा चांस उस लड़के पे लेना चाहिए जिसकी टेक्निक अच्छी होगी, क्योंकि अगर उसका फेलियर होगा तो 1-2 मैचों के लिए होगा, उसका लंबा फेलियर नहीं होता। जैसे अब्दुल्ला शफीक आया, उसे एशियन के एशिया कप में उसके पिचें बहुत मुश्किल थी, उसने 50 किया आके और ओपन पे आके किया, और इसका मतलब है कि उसकी टेक्निक बेहतर है। फखर जो है ना, जब ये चलेगा एक्सपेक्टर है, जैसे शाहिद हमेशा कहता है कि ये मैच अकेला जिता देगा, मगर इसका जब बुरा टाइम अल्लाह ना करे चलेगा किसी ऐसे प्लेयर का जिसको टेक्निकली प्रॉब्लम होगा। बल्कि मैं यूसुफ से पूछता हूँ कि ये जो शाहिद ने कहा कि ये पिच पे आने देना चाहिए था, यूसुफ क्या कर सकता था एज ए बैट्समैन, क्या करना चाहिए था उसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब उस ये नज़र आ रहा है कि स्लो रन कर रहा है, ऐसे मारा है ना उसने, तो ये हम अक्सर मैं बात करता हूँ, ये बेसिक्स में है कि आपने हाथ को देखना है। अगर हाथ देख रहा होता तो उसको आइडिया होता कि ये तो स्पिन है, तो ये इतनी आगे पहले ही ना जाता, क्योंकि गेंद जब हाथ से निकलता है ना, एज ए बैटर मैं ये कहूँगा कि जो रिफ्लेक्सेस की बात नहीं होती कि इसके ये बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं, रिंजी भाई के बारे में बात थी, वो बड़ी जल्दी लेंथ पिक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सेस तेज है, तो यही है कि गेंद जैसे हाथ से निकलता है पोजिशन में आ जाते हैं। तो ये गेंद हाथ से निकला है, लेकिन इसकी जो हैबिट बनी हुई है कि टांग पहले ही निकाल लेनी है। एक तो वो टांग आग देखें इतनी लंबी, अगर साइड से अगर दिखाएंगे ना तो इतनी लंबी टांग पहले चली जाती है। अब जब टांग पहले चली गई है, बॉल स्पिन किया हुआ उसने, तो वो फिर फ्लो में ऐसे ही चलेगा। और ये बल्ला देखें आप, उसका थोड़ा सा बाहर से आता है, यूं गया है, बिल्कुल यूं भी नहीं गया, वो यूं आया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बात मेरी होती थी इससे, लेकिन ये अब काफी अच्छे से फ्लॉज के साथ तो उसने इतने रन्स बनाए हैं, तो फिर अब क्या वो फ्लॉज इतना ज्यादा उभर क्यों गए हैं ऊपर? देखिए मेन मुशीबे ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आपकी टेक्निक ठीक ना हो ना और फिर आपकी परफॉर्म भी ना लगी हो तो कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आप किस्मत वाले ही होते हैं कि आपसे रन हो जाते हैं। फखर को मैं इसलिए रेट करता हूँ, हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि ऐसे प्लेयर ना वन साइडेड कर देते हैं मैच। ऐसे प्लेयर हमें चाहिए कि 10 मैचों में अगर आपके लिए 3-4 मैचों में भी चलते ना तो ये आपके लिए वन साइडेड करते हैं। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं यूसुफ से पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे यंग बच्चे भी देख रहे होते हैं। यूसुफ, आप अगर बैटिंग कर रहे हैं, बैट्समैन है, तो उसको हाथ को देखना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत से लोग हाथ को देखते हैं और बहुत से लोग लाइन उस वक्त पिक करते हैं जब बॉल पे पिच पे बॉल पड़ता है। अच्छा, ये कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप हाथ को देख रहे हैं या पिच को देख रहे हैं। तो लेकिन मूवमेंट जो फीट की है, ये पहले कमिट नहीं करना। देखिए, आपने कमिट कर दिया पहले ही, आप आगे चले गए, ठीक है, तो बॉल थोड़ा सा पीछे चला गया। नहीं, नहीं, अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि आगे नहीं जाना, अभी मैं खड़ा हूँ, बॉलर बॉल नहीं आया, बॉल नहीं आया, आप मेरा ज्यादा से ज्यादा ये होगा हल्का सा, हल्का आपके कंट्रोल में हो, कंट्रोल में, वेट इसमें होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, दोनों टांगों के दरमियान वेट होना चाहिए, न्यूट्रल जैसे होते हैं, गाड़ी न्यूट्रल, ठीक है, ठीक है, आप जहां मर्जी लेके जा सकते हैं। okay. जैसे आप न्यूट्रल रहेंगे, अगर बाउंसर है तो आप वहां से पुल भी कर सकते हैं, अगर तेज है, जैसे शुएब अख्तर तेज था, उसको पुल करना आसान काम, आप उस पर बैठ सकते हैं, इतनी लंबी टांग रही बैठ नहीं सकते, उधर से आप आराम से बैठ जाओ। अगर आप देख रहे हैं 85-86 का, आप उसको पुल कर सकते हैं, आप पूरा अपने एक्सटेंड कर सकते हैं, ये फिर आप ये कह रहे हैं कि खेलते हुए ज्यादा आगे पाओ नहीं, ताकि आगे पीछे जाना मुश्किल हो जाएगा। जब मैं इधर चला गया तो मैं ब्लॉक हो गया, अब मुझे इधर वाला बॉल अच्छा लगेगा, कंट्रोल भी लेस हो गया। अनलेस के आप विव रिचर्ड हो तो यहीं से ये दे दो, तो विव रिचर्ड कर सकता है आम बंदा। अच्छा, क्या जैसे एक और पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि यहाँ चले जाते हो फिर यहाँ की बॉल का वो इजी हो जाते, ठीक है ना। अब एशियन विकेटों में क्या होता है कि ये वाला बॉल और पीछे वाला बॉल इस वाली पोजीशन में मैनेज हो जाता है, वो कुछ लोगों को होता है, सबका नहीं होता। ओके ओके, सबका नहीं होता, ये कुछ लोगों को होता है। मैं जैसे विव रिचर्ड का नाम ले रहा हूँ, रिकी पॉन्टिंग कर लें आप, लेकिन मोस्टली देखें जिस तरह विकेट जो है वो उन्होंने यहाँ पे वैन बीक। अच्छा, ये जो दोनों कर रहे हैं बहुत अच्छा, यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया शायद ने, और यूसुफ ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया। ये जो आप विकेट देख रहे हैं ना, जो यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू ना, ये क्योंकि सॉरी ये बैट्समैन है, ये शायद भी बैट्समैन है, मगर इसमें लंबी टांग से होता पता क्या है कि आपका वेट जो ना टांग से पीछे रहता है। जब आपका टांग से पीछे रहता है, आपकी नी अगली बैंड नहीं होती, जैसे अब ये खड़े होकर बता रहे हैं, जब आपकी टांग ऐसे होती है ना तो वेट पीछे है, तो जब वेट पीछे वाला होगा वो ऑन द अप ही खेल सकता है, वो कभी भी लेट नहीं खेल सकता, और वो ऑन द अप खेला तो कॉटन बॉल। अगर ये अब ये देख स्लोली दिखा सके ना, वो एक्शन वो जो वो होता है स्लो मोशन, और वो उंगलियों से वो निशान लग जाते हैं, स्काई वाले दिखाते हैं, वैसे बहुत अच्छा हम बता सकते हैं। हाँ। नहीं, इसमें देखे, ये देखें, बल्ला भी देखें, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल। अब ये बॉल को आने देता तो आराम से सीधे बैट से भी या थर्डमैन की तरफ से सिंगल भी कर सकता था। वो ये जो यूसुफ ने कहा ना स्ट्राइड्स का, स्ट्राइड्स जब आपकी निकल जाती है, जो हम कल बात कर रहे थे गोरे स्पिनर को क्यों
क्यों अच्छा खेलते हैं कि वो पहले ही स्ट्राइड निकालते थे एलबीडब्ल्यू बचने से, तो उनको खेलने नहीं आता था। अब वो छोटी टांग निकालते हैं, छोटी टांग से क्या होता है कि आपका ट्रिगर जो होता है ना, एज जब आप ऐसे खेलते हैं ना, तो आपके लिए आगे और पीछे जाना आसान हो जाता है। जैसे मेरा इस टांग के ऊपर देखे बैलेंस कहाँ है, दरमियान में बैलेंस बिल्कुल ऐसे आ सकते हैं, ये पीछे हो गए, अब ये पीछे चले गए, अब मैं ऐसे इस तरह खेलूंगा, ऐसे खेलूंगा और इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये बहुत सिंपल बात है, मगर ये मेक यू फॉर एवरेज क्रिकेटर टू अ ग्रेट क्रिकेटर। यस, ये छोटी छोटी चीजें, ये ट्वीकिंग इसीलिए इतनी जरूरी होती है। हम बार बार यही बात करते हैं कि इस लेवल पे आपकी ट्वीकिंग जरूरी होती है। दिस इज द नेशनल साइड, यहाँ पे टेक्निक पे अब आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते काम, छोटी छोटी ट्वीकिंग है जिसकी वजह से आप सही हो जाएंगे। बट वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मोबाइल्स का सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है। स्पार्क्स आपके साथ या सामने हमारे मौजूद है, सो मोबाइल्स ही मोबाइल्स मिलने वाले हैं या जोर के जोर के सेट के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special। और वो कहते हैं ना all is well, all is well, all is well। कल ही बात की थी आपने थ्री इडियट्स की, तो yes, उसी में ये था कि जी जब दिल घबराने लगे तो यही करना चाहिए, because बाबर आजम has gone back to the hut as well। पाकिस्तान right now is 34 for 2। जो काम इस वक्त नीदरलैंड के बोलर्स कर रहे हैं कि ना लेने दे रन्स और बैटर को पुश करें इस चीज के लिए कि बैटर चांस ले, और जब चांस लिया बाबर आजम ने तो यही हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग लाला, विकेट हम लोगों ने सबने ही साथ देखी और एकदम से हमारी परेशानियां बढ़ गई। और हम टीम ऐसी हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं हम लाला, जैसी टीम सामने होती है उसी की तरह खेलते हैं। सवेरा मैं बाबर को पहली बॉल से देख रहा था और क्योंकि कप्तान है और जिम्मेदारी भी थी, एक आउट हो गया, पिच टोटली चेंज नजर आ रही है और मेरे ख्याल में जिस तरह की पिच चल रही है इस पे ये न्यूजीलैंड, ये नेदरलैंड वाले जो बॉलर्स हैं इन्हें पता है ये जिस तरीके से, इसलिए मीडियम पेस भी ये स्लो वन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनको सूट कर रही है अभी तक। बाबर जो है वो थोड़ा सा, मुझे आज ये फीलिंग आई कि वो थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आ रहा था। कुछ आध बॉले अगर आप उसकी दिखा सकें कि बल्ले से इतनी दूर खेलने भी गए लेकिन बल्ले से काफ़ी दूर, जिसको वो नॉर्मली चौके मारता है, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे आज जो है ना वो नज़र आ नहीं रहा था उसका। रिजवान का मैंने पहले बॉल देखा, पहले बॉल पे आती उसने स्विप मारा। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि आपको बॉलर के ऊपर होना पड़ेगा, प्रेशर बॉलर के ऊपर डालना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह सर्वाइव करने के चक्कर में रहे तो यकीन कर हम काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। लाला, नीदरलैंड से किस किस्म का प्रेशर, क्यों प्रेशर बाबर आजम के ऊपर? बाबर आजम इज द वर्ल्ड क्लास बैटर ऑफ पाकिस्तान, नॉट जस्ट पाकिस्तान, अ वर्ल्ड क्लास बैटर। कंडीशंस जैसी, मतलब जैसे आई कोट रवि शास्त्री का एक बहुत फेमस कोट है कि अगर तो आप क्लासी बैटर हैं तो पिच बिच गई भाड़ में। नहीं, खैर प्लेयर बनता भी बड़ा उसी तरह की पिच की रीड exactly. उसके हिसाब से पिच को पढ़ के अंदर वो अपना गेम उस हिसाब से, जिस तरह यूसुफ ने कहा कि दो बॉलों के बाद मुझे पता चल जाता है कि पिच ने क्या खेलना है, तो प्लेयर इसी तरह बड़े बनते और इसी तरह ही करते हैं। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी फीलिंग बाबर में भी, अल्लाह करे मैं गलत हूँ या मुशीबे वगैरह बता सके, आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू, शायद मुझे भी ये लग रहा था। पता है कि जो इस विकेट से पहले जिस बॉल पे वो आउट हुआ उससे पहले एक बॉल देखे आप कितना दूर से बैट सके, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर द टर्न। जब आप गेंद को नहीं खेल रहे होते, पिच को खेलने लग जाते, बॉल के ऊपर नजर आपकी कम रहती है, तो फिर आप रिज्यूम करते कि ये बॉल स्पिन होगा, जबकि अकॉर्डिंग टू द बॉल जो बैट्समैन होते हैं, जो बॉलर होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल पीपल, बिग प्लेयर्स, व्हेन दे आर नॉट अंडर प्रेशर दे प्ले द बॉल नॉट द पिच। यू नो, व्हेन यू टेक द पिच आउट ऑफ योर ओकेजन, आउट ऑफ योर माइंड, देन आप जो आपका जो होता है ना इंटेंट, फुटवर्क, वो सारा नजर आना शुरू हो जाता है। तो उस बॉल से पहले, जिस बॉल से पहले बाबर आजम आउट हुआ है, जो शाहिद पॉइंट कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि वो अपने शेल में था, स्केर्ड था, आउट होने से डर रहा था, इतना गैप था उसके बल्ले से, और फिर अगला बॉल जो ऑब्वियसली यू नो लाइक ही थे और ही थॉट कि अब टर्न नहीं होगा, वो टर्न हो गया। तो आप पिच को खेल रहे थे, बॉलर को खेल रहे थे, बॉल को नहीं खेल रहे थे। उमर हैदराबाद से लेके और आउट हो गया, आउट हो गया, हक भी अब आउट हो चुके हैं और हम एशियन गेम की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो अगेन यहाँ पर और खबर आ जाती है, खबर आ जाती है सामने, बिकॉज हैदराबाद से लेके हैंगजू तक उमर यही हमारे साथ हाल हो रहा है कि हमने जो सेमीफाइनल था एशिया कप का, अफगानिस्तान एशियन गेम्स का सेमीफाइनल अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को शिकस्त हासिल हुई, अफगानिस्तान हैज वन इट बाय 4 विकेट। वहाँ भी अगर मैं ये बात करूँ तो वहाँ भी हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो दे हैव नॉट परफॉर्म, दे हैव नॉट डिलीवर्ड, बट राइट नाउ हमारा जरा फोकस वापस इस वर्ल्ड कप पे जाएगा। अनदर विकेट आउट, इमामुल हक गोज बैक टू द हट,
एंड यस मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, ये वही है डबल वैमी, अच्छा खेले इनके खिलाफ तो क्या बड़ी बात की, मगर जब ऐसा खेले तो यस। आई थिंक ये शाहिद ने जो बात की है, आई थिंक मुझे समझ आ रही है ये बात कि आप क्रिकेट को खेलें, आप ये ना देखें कि हम हॉलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, आप ये टीमों को ना खेलें प्लीज, ये प्रेशर ज़रूर आपके ऊपर डेवलप होता है, यहाँ पे से तो लीडरशिप का पता चलता है। मैं कह रहा हूँ जिस तरह बाबर खेल रहा है, सऊद शकील बाबर को देख रहा होगा, यूसुफ जब इंजी को देखेगा और इंजी अगर फंसा हुआ खेल रहा है ना तो पूछे यूसुफ से कि ड्रेसिंग रूम के अंदर ये इसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि यार अगर इंजी फंसा हुआ है ये क्या हो रहा है पिच के ऊपर। इस मौके के ऊपर जवान ने एक बड़ा अच्छा काम किया, पहला बॉल खेला आपने पहले स्वीप मारी और उस पर दो मिला उसको प्रेशर हुआ, अगला क्या हुआ उसने दो रन लिए, उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ की है, उसने चेंज की अपनी लाइन, उसको दुक्का मिला साइड मैन पे, उसको आते ही अंडर प्रेशर करना होता है। ये क्रिकेट में बड़े मैचों में बड़े प्लेयर बड़े दिल वाले लोग पता क्या करते हैं, जो इनका टेम्परामेंट तगड़ा होता है वो अटैक कर देते हैं, जाके अंडर प्रेशर भी जाके अटैक कर देते हैं ताकि उनके पास बेस्ट चांस हो। ठीक है यूसुफ भाई, सारा हमारा इंजी भाई भी वहाँ पर हैं, मिकी आर्थर भी वहाँ पर हैं, पूरा कोचिंग स्टाफ भी वहाँ पर है, तो क्यों हम जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि बड़े दिल का मुजाहरा करना होगा, अगर बड़े दिल का मुजाहरा नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि लड़कों ने दिल इस वक्त छोटा कर लिया, क्या वजह है? सामने नीदरलैंड की टीम है और आप क्यों, और इमाम की विकेट जिस तरीके से गिरी उस हवाले से भी आप क्या कहेंगे, पुल करने गए हैं और कैच दे बैठे? देखिए सारे उधर बैठे हुए हैं, इंजमाम भाई का जितना एक्सपीरियंस है शायद ही पूरी टीम को भी मिला लें, जितना एक्सपीरियंस नहीं होता था बाहर कोचिंग स्टाफ को भी मिला लें, तो वो तो उन्होंने जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया होगा और जो मेंटल लेवल उनका है, जो हमने तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली, मैं एटलीस्ट 10 साल उनके साथ खेला हूँ और जब वो खेल रहे होते थे तो बाहर वालों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। आउट हो जाना कोई चीज़ हो जाना ये एक और चीज़ है, लेकिन एक फंसना या बुरे तरीके से खेलना वो एक और चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें हमारे मैं कई अपने इंटरव्यूज़ में ये कह चुका हूँ कि मैं लकी था कि मैं सईद भाई इंजीबे के साथ खेलूँ, मैंने बहुत चीज़ें सीखी इन लोगों से, इनिंग कैसे बिल्ड करनी है, मुश्किल सिचुएशन में कैसे खेलना है, ये सारी चीज़ें इनसे मैंने सीखी और ये इन्होंने इनके साथ शेयर की होंगी। करना प्लेयर ने शायद ने शुरू में कहा है कि कोचिज क्या कर सकते हैं, सब कुछ प्लेयर्स ने खुद ही करना है, और ये इसके बारे में मैं फ़ख्र के बारे में कह रहा था कि उसने खुद निकलना है इसमें से, वो बताएंगे आपको चीज़ें बताएंगे, टूल्स बताएंगे आपको, फैसिलिटीज़ देंगे कि किस तरह की प्रैक्टिस करनी, जैसी आप मांगेंगे वैसी देते हैं। हाँ ऑब्वियसली प्लेयर कितना अडॉप्ट करता है, अच्छा प्लेयर के हाथ में होता है, अच्छा स्टूडेंट प्रोग्रेस कर जाता है और जो बुरा स्टूडेंट होता है। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और है, विकेट ज़रूर थोड़ी ट्रिकी है, इसमें कोई शक नहीं, अगर ईजी हो तो वो बारी हमें ना देते। कल जैसे इंग्लैंड को उन्होंने बारी दी, इंग्लैंड भी कह रहा था कि हम बॉलिंग करते, तो विकेट में थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा स्पिन हो रहा है, लेकिन इस पर मैंने पिछले जब एशिया कप में भी बात की थी, जब टर्न हो रहा है या ग्रिप हो रहा है तो आपने सीधा नहीं खेलना, जैसे रिजवान ने आते स्वीप इधर, अभी हो सकता है उल्टी भी मार दे, तो जब आप ऐसे खेलना शुरू होंगे बॉलर की लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। मुशी भाई और शायद दोनों बॉलर हैं अभी, खबर जी सऊद ने भी एक चौका मारा है, मगर मैं आई डोंट वांट टू कर्स, मैं तो अब ऐसी सिचुएशन में ना मैं देखना बंद कर दिया है ना, नजर ना लगे। नहीं अब वो इमाम की जो बात, अगर हम इमाम की आउट होने पे बात करें तो देखें जी गेम अवेयरनेस वाली बात, और एक जेन्युइन बैट्समैन हमारे जैसे नहीं, एक जेन्युइन बैट्समैन खेल रहा है, उसको पता है कि अभी बाबर एक मेन प्लेयर आउट हुआ है, बिल्कुल अब क्यों वो शॉट खेलने जा रहे हो? एग्जैक्टली यही सवाल, वो आप गेम स्लो कर दें, स्लो कर दें, थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई बात नहीं, वो प्रेशर हटने दो जरा। ये ऐसी टीम है कि आप इनको आखिरी 20 ओवर में पौने 200 रन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा मसला नहीं, आप कर लेंगे, टाइम लेना, अभी आप विकेट पे टाइम भी थोड़ी आपको डिस्टर्ब कर रही है और आपकी विकटें भी गिर गई है, मेन प्लेयर आपका गिर गया ना बाबर आजम, पूरी दुनिया उसको देख रही है, अपनी टीम भी देख रही है, थोड़ी देर गेम को स्लो कर दें। बाज़कर आप लोग जब बॉलिंग कर रहे होते थे मार पड़ी होती थी तो उस वक्त कोई ऐसी चीज़ कर लेते थे, पानी मंगवा लो या थोड़ी रुक जाओ, थोड़ा इकट्ठे हो जाओ ताकि रिदम तोड़ दें, तो इस टाइम वो रिदम में थी, वो टीम इस टाइम बड़ी जज्बाती हुई होगी, वो बड़ी कॉन्फिडेंस में होगी, हमने 3 विकेटें ले ली, तोड़ो थोड़ी देर, टीम आई और आते ही जो है 3 विकेटें जो है फौरन गिरा दी टीम पाकिस्तान की, ऑब्वियसली दे हैव नथिंग टू लूज, वो ये वर्ल्ड कप ये सोच के आए होंगे, देखिए जीतने की हर कोई सोच के आता है, मगर डेफिनेटली वो ये सोच कर आए होंगे कि हम सीखने आए हैं, हम सीखेंगे इन बड़ी टीम्स के साथ खेलकर, सो ऑब्वियसली दे हैव नथिंग टू लूज। मगर बिफोर वी मूव एनी फर्दर और मैच की जरा सिचुएशन सामने क्लियर हो जाए, उससे पहले पहले आप लोग की प्रेडिक्शंस लेना बहुत जरूरी है, वो इस वजह से बिकॉज जब सिचुएशन सामने हो जाएगी तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी मुझे पता है कि ये पूछना एक सिर्फ रस्मन है बट यस पूछना जरूरी, लाला विच इज योर टीम टुनाइट? पाकिस्तान जी मुर्शिद, पाकिस्तान जी यूसुफ,
पाकिस्तान दो बॉलें खेल के पिच का अंदाजा, तो दो बॉलें इसने खेली पहले, मैंने सोचा नहीं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी टीम है, कम बैक किसी टाइम भी कर सकती, बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, वो ठीक है, वो काउंटी भी खेलते होंगे, अपने कुछ न्यूजीलैंड के प्लेयर भी खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि 250 280 में पकड़ सकते हैं, लेकिन इतना आजकल के दौर में इतना प्रेशर बॉलिंग पे नहीं डाल सकते, इस तरह की कंडीशंस हैं, दो नए बॉल हैं, अंडर लाइट, जैसे शेन वॉटसन भी कह रहा था कि अच्छा बैट पर आता है, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि 300 तक तो जाएँ हम। मगर एक और मसला दूसरी तरफ, जिस तरह उमेर हम, क्योंकि ये मैच तो चल ही रहा है एशियन गेम्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो और सिचुएशन है, टीम अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम खड़े नहीं हो पाए, 116 रन सिर्फ जो है 115 रन बनाए थे, 116 रन का हमने सिर्फ टारगेट दिया था, सबसे हाईएस्ट स्कोरर उमेर बिन यूसुफ है जिन्होंने 24 रन जोड़े, उसके अलावा जो हमारे सीनियर्स भी वहां पे मौजूद हैं, यानी आप आसिफ अली की बात कर रहे हैं, मैं आपको सीनियर्स का बता दूं, हैदर अली हैं, खुशदिल शाह हैं, आसिफ अली हैं, आसिफ ने जो है वो 8 रन जोड़े, हैदर ने जो है वो 2 रन बनाए, खुशदिल शाह ने सिर्फ 8 रन जोड़े, मतलब ये हमारे सीनियर्स कुछ भी नहीं कर सके, हम अफगानिस्तान की टीम के अगेंस्ट अपना सेमीफाइनल हार गए, फाइनल में ऑलरेडी इंडिया वहां बैठी हुई है, सो इट वाज अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, लाला हम मेन टीम अभी देख रहे हैं, यस हमारी मेन टीम में हैं इश्यूज हमें पता, मगर फिर हम अपनी सेकंड साइड देखते हैं, उनमें भी इश्यूज ही इश्यूज हैं, तो मतलब जाएं तो कहां जाएं, घर ही जाए। देखिए सवेरा, ये चीज़ें उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक हम इसका जो कहते हैं ना कि कैंसर का इलाज जो है ना, उसको पहले कैंसर खत्म करो, आप सीधा सीधा ग्रास रूट लेवल पे आके आपको काम करने की ज़रूरत है, ग्रास रूट लेवल पे आपको अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छे टीचर्स होंगे अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे, अच्छे टॉप टॉप कोचेस होंगे तो अच्छे बच्चे आएंगे ऊपर, सिंपल सी बात है, इसलिए कि पाकिस्तान टीम में आके आपको खाना भी सीखते हैं, क्या खाना है, ट्रेनिंगें करना भी सीखते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को नहीं पता होता, पाकिस्तान टीम में आके सीखते हैं, पाकिस्तान टीम सीखने की जगह नहीं है, वो डिलीवर करने की जगह है, ये सारी चीज़ें जो है वो नीचे लेवल पे सीख, आप सिस्टम्स क्यों फॉलो नहीं करते, सिस्टम इसलिए फॉलो नहीं करते कि आपका ऊपर जिन्होंने सिस्टम चलाना उसके ही कोई सिस्टम नहीं है, वही आउट ऑफ सिस्टम, वही बगैर सिस्टम के सर सिलेक्ट होके आ जाता है, इलेक्ट होके आ जाता है, जो भी है। सुनी कि हम ऑस्ट्रेलियन मॉडल लाएंगे, उनका मॉडल हम बड़ा जोर हमने सुना कि पिछले टेनोर में ऑस्ट्रेलियन मॉडल, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, हम बात भी करते हैं, हमें नहीं पता कि वहाँ के सिनेरियोस क्या है, वहाँ का सिस्टम क्या है, बट हम ऐसा शोर मचाते हैं, लेकिन इन द एंड फिर ना आप रहते हैं ना उसके बाद हमारा टैलेंट आ गया आता है, सिस्टम सारा तबाह बर्बाद हो जाता है। शायद ये आप बहुत अच्छी बात, ग्रास रूट की बात यार, पिछले हम काफ़ी शो से कर रहे हैं, उमेर मेरी बात सुनो आप, ये मेरी बात हुई है पर्सनली और क्रिकेट बोर्ड से बात हुई कि आप अपने बड़े प्लेयरों को, आपका यूनस खान, आपका मोहम्मद यूसुफ, आपका शाहिद अफरीदी जो अभी टेन्योर में रिसेंटली रिटायर हुए हैं, प्लीज पुट देम, गिव देम सिंध, गिव देम बलूचिस्तान, गिव देम पंजाब, और इनकी टीमों के साथ इनको एज ए मेंटोर लगाओ, इनको बताओ कि कप्तान कैसे डेवलप करने पड़ेंगे, इनको बताओ सौ करने का तरीका क्या है, इनको बताओ कि शाम का खाना कहाँ पे खाना है, ये पूरी दुनिया के कोचेस जो बड़े बड़े नाम हैं, लैंगर से लेके जो ऑस्ट्रेलिया का है, ड्रेविड से लेके जितने भी बड़े इस वक्त बड़ी कोचिंग कर रहे हैं, दे केम आउट फ्रॉम द ग्रास रूट, उन्होंने पहले अपने 4-5 साल कोचिंग के स्किल जो सीखे हैं वो ग्रास रूट से सीखे हैं। आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर बन जाओ, ये टीचिंग एक अलहदा शोबा है, स्टूडेंट एक अलहदा शोबा है, ये सीखना पड़ता है। अब आपका जो शायद का जो बड़ी अच्छी ग्रास रूट, ग्रास रूट, मैंने जब पीसीबी से बात की, यार हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे अफोर्ड मतलब अगर पीसीबी ये बात कह रहे हैं तो यू टेल मी वन थिंग, आम का बाग आप चाहते हो और आप माली रखो माल्टे लगाने वाला, तो आपको आम मिलेंगे कि माल्टे मिलेंगे, आपको माल्टे ही मिलेंगे, तो इसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप वो माली लगाएं जिनको पता है कि बाग कैसे बनते हैं, जिनको पता है कि दरख्तों को कैसे लुका आफ्टर किया। 2003 में पहली दफा हमने ये लफ्ज सुना पाकिस्तान क्रिकेट में, ओवरहॉलिंग, हम ओवरहॉलिंग कर रहे हैं टीम की, फिर 2003 के बाद फिर 2005 आया, हम ओवरहॉलिंग कर रहे हैं टीम की, फिर उसके बाद 2007 आया, अरे जी तितर बितर हो गया सब कुछ, बिकॉज हम नहीं क्वालिफाई कर पाए थे वर्ल्ड कप में जो हमारा हाल हुआ,
उसके बाद फिर एक पैनिक बटन दबा, मतलब ये ओवरहॉलिंग का हमारा जो लूप है वो खत्म ही नहीं होके दे रहा। यू आर ओनली टेक दोज काइंड ऑफ डिसीजन के जी आप हेड कोच को चेंज कर देते हैं, आप एक दो बंदे को चेंज करके सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर देते हैं। वे आर द पीपल हु आर मेकिंग द डिसीजन फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स। चार सिलेक्टर्स चेंज हुए हमारे, चीफ सिलेक्टर भी। आप मुझे बताएं ना कि जब आप चीजें ठीक करने जाते हो ना, तो एक तो टेन्योर लंबा दें आप, ठीक है ना, टेन्योर लंबा दें ताकि उसके उसके जो अच्छी चीजें हैं उनको इंसेंटिव भी दें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखें हम। बात आ गई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं हम अपने बैट्समैनों की, सारा कुछ है। आप मुझे बताएं, मैं यूसुफ मेरा अगर प्लेयर है, बैट्समैन है, और शायद मेरा बैट्समैन है, मैं कोच हूँ, अगर मैं इनको ये मैसेज दे रहा हूँ, जो कि मैसेज चलता है, पता है क्यों? बिकॉज आई एम वरीड अबाउट माई ओन फेलियर, आई एम नॉट वरीड अबाउट देम। मेरी अपनी ईगो स्टेक पे लगी हुई है, विच इज नॉट बैड थिंग्स टू हैव। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, अगर मैं शायद को कहूँ ये शायद निकल के हिट मारी स्टंप ना हुई, इज दिस अ ग्रेट मैसेज? यूसुफ को मैं कहूँ कि छक्का मारने पर स्टंप ना हुई, इज दिस अ ग्रेट मैसेज? नो, दिस इज बिकॉज आई एम टेलिंग हिम अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। उसको ड्रा भी रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ पॉजिटिव भी, पहले से जहन में डाल दिया। सी ना, व्हाट टू से, हाउ टू से, वेयर टू से, who to say, this is very important. And I think this is where, you know, like are we lacking? And Shahid ne jo baat ki hai na, please I will request all the even ex cricketers jinko Allah ne bahut naam diye hain, wo apne grassroots pe jaake kaam kare aur unko acche incentive mile. Aapke coaches jo hai na, upar se niche tak coaching standards ek hi hone chahiye. Upar wala coach kuch aur samjha raha hai, niche wala kuch aur, do mahine ke baad coach change ho gaya, wo kuch aur bata raha hai. Isme aapke time hai ya break ka time hai? Nahi, aap jaldi se, jaldi wala kaam nahi, aap pehle break le. Acha, nahi hum break nahi, usse pehle lena padega, hum usse pehle ye time malega. Chaliye, ha nahi, let him go, he is हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं, आप मुशी भाई और लाला और हम थोड़ा उस एरा में खेले हुए हैं जब क्लब क्रिकेट बड़ी अच्छी होती थी, 40 ओवर्स की गेम होती थी। मुझे नहीं नज़र आ रही कि आज कहीं भी क्लब क्रिकेट में 40 ओवर्स की गेम हो रही है, कहीं नहीं हो रही। टी ट्वेंटी फ्यूचर है हमारा, मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा, आगे हो सकता है 10-10 भी आए, इंटरनेशनल खेलें, लेकिन जब तक आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे उस वक्त तक छोटी क्रिकेट में महारत नहीं होगी। ये सारे प्लेयर कहाँ से आए हैं? ये जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, इमरान खान, हनीफ भाई, ये उसी सिस्टम से आए हुए हैं। ये 40 ओवर्स की गेम खेलते थे, 4-day गेम्स खेलते थे, अच्छी क्रिकेट खेलते थे। फिर जब छोटी गेम आएगी इजी हो जाएगी इनके लिए। ये जो आप, अगर आप समझें कि हम किसी भी टीम से आगे लग जाते हैं जब मुश्किल आती है, उसकी वजह ये है कि हमने मुश्किल क्रिकेट नहीं खेली हुई, हमने ऐसी जगहों पे क्रिकेट खेल रहे हैं जहाँ दूर से भी शॉट लग जाती है, 20 ओवर में 250 हो रहा है, 225 हो रहा है, वो तो बहुत ईजी विकेट है, वो तो बहुत आसान क्रिकेट है। जब तक आप मुश्किल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ग्रास रूट लेवल जो है, हमारे बोलर्स का भी हमने रेशो बताया था एक दफा यूसुफ, जब हम एशिया कप का शो कर रहे थे, कि कितने लेवल ऑफ टेस्ट उन्होंने खेले हैं और कितने टी20s खेले हैं, उसका कंपैरिजन में आपको पता चल जाता है कि रेशो टी20 का इतना ज्यादा है कि हमारे बोलर्स भी आदि हो गए हैं टी20 की बोलिंग करने के हिसाब से, लंबी बोलिंग के हिसाब से। बट हमें टी20 से प्लेयर उठाना, सिर्फ अगर उठाना है तो टी20 के लिए उठाएं, वनडे और टेस्ट में प्लीज उसको मौका ना दें, उसको उधर ही रहने दें जहां जिस जहां से उठाया है। फर्स्ट क्लास को आपको अहमियत देनी पड़ेगी, और हमारी जो क्लब क्रिकेट है, जितनी भी क्लब्स हैं, चाहे लाहौर में है, कराची में है, कहीं भी हो रही है, वो 40 ओवर्स की गेम होनी चाहिए। टी20 क्रिकेट वहां से निकाल दें, इंग्लैंड जैसी कंट्री जहां इतनी तेज क्रिकेट खेल रहे हैं, 55 ओवर की होती है, 50 ओवर की लीग होती है, इससे कम मैंने सैटरडे मैच नहीं देखा। वो एक वेनसडे को गेम होती है मेरे ख्याल इवनिंग पे 20 ओवर्स की, वरना तो 50 ओवर 55 ओवर की लीग क्रिकेट है उनकी, हमारे यहाँ है ही नहीं। क्रिकेटर्स और लंबी क्रिकेट जरूरी है, लंबी क्रिकेट बहुत जरूरी है, और स्पार्क्स का कर दें उसके बाद फिर देखें। ये बहुत जरूरी है, ये भी और वो भी साथ साथ चलता रहेगा। बहरहाल स्पार्क्स की जानिब से अगर आप लोग मोबाइल फोन हासिल करना चाहते हैं स्पार्क्स के, तो सवाल एक आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, मैं भी नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ। सवाल यह है कि पाकिस्तान की जानिब से वनडे क्रिकेट की तारीख की पहली सेंचुरी किस खिलाड़ी ने स्कोर की थी? सवाल मैं एक मरतबा फिर से दोहराता हूँ, आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से वनडे क्रिकेट तारीख की पहली सेंचुरी किस खिलाड़ी ने स्कोर की थी? नंबर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ, 03177770174। नंबर रिपीट कर रहा हूँ, इसको नोट कर लें, 03177770774। स्पार्क्स का मोबाइल फ़ोन हासिल करना है, तो ये सवाल आपकी स्क्रीन पर भी है, नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है, तो आपने इस नंबर पर कॉल करनी है, फ़ोन कॉल करें और अपना जो जवाब है इस नंबर पर जवाब बताएं, और
आप उन खुश नसीबों में, खुश किस्मत लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनको मिलेगा स्पार्क्स का मोबाइल। बिल्कुल जी, तो अच्छे इस्तेमाल कर लेते हैं। S3 Shine with Sparks S3, great phone, use that, if you use them we will use them too. क्या बात है जी, ये 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही अब याद हो गया मुश्ती भाई को। वक्त ब्रेक का हो गया, हमने जाना एक ब्रेक पे, मगर क्या कौन कहता है, क्या कोचेस जरूरी हैं, क्या कोचेस ने बात करनी है, कितना प्लेयर्स के लिए जरूरी है, मिकी आथर ने भी कल बात की, क्या बात की, उस हवाले से डिस्कस करेंगे जब हम ब्रेक से वापस आए। And welcome back to Zorka Jor World Cup 2023 special. इस वक्त जो है वो मैच जारी है, the second match of World Cup. It's Pakistan versus Netherlands. हैदराबाद में हो रहा है ये मुकाबला. Netherlands ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बोलिंग का फैसला किया. पाकिस्तान ने अब तक 3 विकेटें गवा चुकी है टीम पाकिस्तान. 72 रन बनाए हैं एंड अब आई डोंट वॉन्ट टू कर्स द पेयर बट द पेयर इज डूइंग प्रिटी वेल. सो 72-3 पाकिस्तान राइट नाउ और इस वक्त अभी ख़त्म हुआ है 14th ओवर. सो उमर ज़्यादा हम नहीं इनकी परफॉर्मेंस मैं नोट कर रहा था आपने पहले मेंशन किया कि 3 विकेटें हमने गवा दी हैं ताकि नज़र ना लगे, उसके बाद हम आगे बढ़े. अच्छी बात यह है यूसुफ भाई कि ये जो पेयर अभी विकेट पर मौजूद है हम उम्मीद भी करते हैं कि ठहरा रहे, लेकिन रन्स भी जो है ना वो भी बना रहे हैं साथ. ये नहीं कि रन्स रुक जाएँ, प्रेशर ले लिया, रन्स बना रहे हैं. जो प्रेशर पाकिस्तान की टीम ने लिया था एक मरतबा प्रेशर उतार दिया दोनों. नहीं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोनों अभी तक, और जैसे रिजवान ने आते स्टार्ट लिया और साउथ शकील ने भी माशाल्लाह जैसे स्टार्ट लिया है. आपने जब किसी टीम पर प्रेशर डालना है और अपने पर नहीं आने देना है तो आपको स्ट्राइक रोटेट भी करनी है और जहां आपको बाउंड्री का मौका मिले वहां आपने बाउंड्री लगानी है. फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, अच्छा बॉल आएगा उसको आपने सर्वाइव करना है. इसमें अच्छी बॉलिंग भी हो रही है, विकेट की वजह से भी हो रही है और वो उन्होंने बड़ी चलाकी से अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया है. स्टार्ट ही ऑफ स्पिनर से कराया उन्होंने, उन्होंने पिच को रीड किया है, सिचुएशन को, और हमारे बैट्समैनों को उन्होंने टफ टाइम दिया है. और जिस तरह मैं बात कर रहे थे उसमें भी कि जब विकेटें गिर जाए तो थोड़ा स्लो कर दें. बिल्कुल, इन दोनों ने थोड़ा आते जो इनकी जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ थी उस पर खेले हैं, रिजवान भी और साउथ शकील भी, क्योंकि रिजवान स्वीप शॉट खेलता है, रिजवान थोड़ा हिलजुल के खेलता है, फीट यूज़ करता है, थोड़ा स्पिनर्स को तंग करता है. इसे साउथ शकील भी स्पिनर पर बहुत अच्छा है और क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन है, वो फास्ट बॉलर पे भी अच्छा खेलेगा. अभी उसने एक पुल शॉट क्योंकि जिस पेस थोड़ी कम सी तो उसने वेट करके आराम से यूं किया है. हाँ. उसने जोर से नहीं मारी, जोर से मारता हो सकता है खड़ी हो इमाम की तरह, वो कह सकते हैं कि उसका कोई बॉल या तेज आया और हाँ. बॉल इस तरफ आया हुआ था, वो खुद भी इधर गया हुआ था. बैलेंस आउट जिसके हम बात कह सकते हैं. हम इमाम की विकेट पे नजर भी डाल लेते हैं कि किस तरह क्या हुआ, उसकी टांग थोड़ी सी पहले व्हाट वाज रॉन्ग व्हाट ही डिड, तो आप लोग जरा हमें ज्यादा अच्छे से समझा सकेंगे अगर हम इमाम की विकेट पे नजर डाल लें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम ये देख सकें विकेट तो किस तरह वो खेले, क्या गलती उन्होंने की, उस गलती के हिसाब से क्या मिस्टेक थी, उनको ट्रैप किया गया या उनकी अपनी मिस्टेक थी, ये अब हम देखेंगे. सो जी ये थी इमाम की. जी जी मुशी भाई, यूसुफ आप लोग बताएं. यूसी आप बताएं. अब मुझे लगता है कि उसका जो टांग है ना ये जब खेलने से पहले थोड़ी सी इधर आई है और बॉल जब आया तो वो यूं था तो फिर उसने यूं किया और आप देखेंगे ना तो वो शायद नहीं आपको एक दफा से बताना पड़ेगा यूसुफ बिकॉज़ हमारे वो हम बैलेंस लग रहा है कि बैलेंस अब लेफ्ट हैंड है क्या गलती की है क्या तो वो खेलने गया था अभी बॉल नहीं आया तो उसके पहले इधर था तो जैसे बाउंसर आया तो वो इधर गया तो फिर उसने एकदम यूं किया अगर आप देखेंगे तो ही वाज नॉट रेडी बैलेंस कह सकते हैं बैलेंस उसका सही नहीं था. रेडी तो बाउंसर को तो वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तो बाउंसर को ये नहीं खेलता होगा लेकिन इस बॉल पे बैलेंस सही नहीं होगा जिसकी वजह से वो देखें जिस तरह उसने हिट एकदम उसने यूं कर मुशी भाई वाली बात फिर से कनेक्ट फ्रॉम द गेम क्या कनेक्शन का इशू था कोई विद द गेम बिकॉज ही कुड नॉट पिक इट अप दैट क्विक दैट ही हैड टू जस्ट डू अ कंटिंजेंसी प्लान. नहीं आई थिंक यूसुफ ने डिस्क्राइब जो टेक्निकल इशू था ना यहाँ पे टेक्निकल इशू है. साउथ शकील ने सेम बॉल को चौका मारा है और कंट्रोल से मारा है. यहाँ एशियन पिचों के ऊपर इवन ऑस्ट्रेलियन पिचों के ऊपर जैसे यूसुफ कह रहे हैं बीइंग अ कोच अगर हमसे कोई पूछता है तो आप कहते हो कि आपने जब पुल मारनी होती है यू डोंट गो बैक यू हैंग विद द बॉल यू स्टे विद द बॉल सो यू आपकी जो शेप होती है ना बॉडी की वो आपने इधर ही रखनी होती है. इधर से अगर बाबर ये मारता ना तो इसको टॉप एज लेके अगर तेज भी होता ना बॉल
तो ऊपर से कीपर के ऊपर से चली जाएगी खड़ी। इमाम क्या हुआ, बॉल के साथ खड़ा होता गया, जैसे बॉल बाउंस राइज कर रहा था ये भी राइज हो रहा था फिजिकली। तो जब आप राइज करते हो तो यू ऑलवेज प्ले इन द एयर। साउथ शकील ने क्या, ही हैंग विद द शॉट, उसका बैलेंस देखिएगा, और उसने ऐसे मारी शॉट। अब ये जो वेट है ना, अगर इस पे टॉप एज लगता है तो कीपर के ऊपर से जाता है, अगर टॉप एज लगता है तो इधर बीच में गिरता है। इस टेक्निक के ऊपर आप गंदी शॉट मारने के बावजूद भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, जबकि आप उठने शुरू हो जाते हैं तो बॉल ऊंचा जाता है, लंबा नहीं जाता। टेक्निक का तो मसला नहीं है इमाम का, इतने अच्छे से खेल रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन क्या गलती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप बैलेंस बहुत जरूरी है। आप देखें, आप किसी भी बैट से पूछ लें, दुनिया के पुराने भी और नए भी, वो आपको बैलेंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे। आपका बैलेंस जहाँ अच्छा होगा, आप लकी हो तो बच जाएँ, वो ज़्यादा बात है, अगर बैलेंस ख़राब हो गया तो आप ज़रूर मुश्किल में आएंगे। आप मुशी भाई बॉलर हैं, इनकी रिस्ट है, अगर इनकी रिस्ट टूट जाए तो यहाँ बॉल करना चाहते हैं वहाँ ये नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारा बैलेंस अगर सही नहीं है तो जहाँ हम खेलना चाहते हैं वहाँ नहीं खेल सकते, मुश्किल हो जाएगी। अनलेस के आपकी गुड लक हो, आप कीपर के ऊपर से चला गया या दो बंदों के दरमियान में गिर जाए, वो एक और चीज़ है। एक बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, और साउथ शकील की अगर आप शॉट दिखा दें तो वो भी पता चल जाएगा उससे सामने। मैंने पहले कहा था ना कि आपके हाथ एक्सटेंड होने चाहिए, इसके हाथ भी एक्सटेंड हुए, उसने यूँ कर दिया, अगर आप देखें यूँ चला गया उसके साथ, बिल्कुल उसके हाथ एक्सटेंड हुए, उसने आराम से उसको नीचे की तरफ खेला। साउथ की जो बाउंड्रीज हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी मंगवा ली जाए, स्पेशली ये क्योंकि ये बाउंसर की बात हो रही है तो उसकी अगर मिल जाए ना, उसका आराम से उसने यूं कर दिया, रिस्ट को उसने ऐसे भी किया, अगर आप देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मिकी आर्थर ने कल की मीडिया से बात और जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, यस ऑब्वियसली एक डायरेक्टर ऑफ द टीम ही वुड बैक द टीम कि यस हमारी वर्ल्ड क्लास बोलिंग है, ठीक है उसके खिलाफ रन्स बने हैं, अभी वो वर्ल्ड क्लास बोलिंग है मगर वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। शादाब को उन्होंने बैक किया, शादाब की बड़ी तारीफ की उन्होंने कि वन गुड इनिंग और एक अच्छी इनिंग अगर शादाब को मिल गई, एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल गया, सो ही विल कम बैक इन द गेम, ही हैज़ दैट पोटेंशियल, हम सब भी जानते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट शादाब इज। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आई एम बैक फॉर द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ 2019, बिकॉज 2019 में हमारे साथ हुआ यही था कि हमने एक जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हमारा पहला मैच था वो हमारे गले पड़ गया था क्योंकि हमने वो इतनी बुरी तरह हारा था। बट 2019 की जब हम बात करते हैं और अभी के स्क्वाड की हम बात करते हैं, वी लैक अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बाबर आजम इज द ओनली बैटर इन दिस टीम जिसने 100 ODI खेले हुए हैं, इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है जिसने 100 ODI खेले। तो थोड़ा सा मिस आउट कर गए मिकी इस बात पे कि हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस था 2019। आई थिंक बिकॉज जो मिकी का पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें वाकई आपकी बात है, शुएब मलिक थे, हफीज थे, ये तीन चार आपके जो मेन सरफराज मोहम्मद आमिर हारिस हारिस सुहेल थे, तो ये इमाद वसीम थे, तो आपके पास 6-7 ऐसे सीनियर प्लेयर थे जिनको अपनी गेम का बहुत पता था और दे वर वेरी वेरी गुड प्लेयर ऑब्वियसली। तो आई थिंक कमिंग बैक टू स्टेटमेंट, आई होप जो वो कहना चाह रहे हैं अल्लाह करे वो करके जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क का मसला है, तो अपनी टीम को वो करते अगर उठाना है उठा के लेके जाएंगे ऊपर से, तो हम सब की इसमें इज्जत है। और ये इसके लिए जब भी मैं कह रहा हूँ ना सवेरे, हमेशा याद रखिएगा बात, जब तक आप बिलीव नहीं करते, आप जब तक दिल से बात नहीं करते और आपका बिलीव नहीं होता, देर तक आपकी बात नहीं चलती। अब प्लेयरों को भी पता चल जाता है कि अगर मैं प्लेयर ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर मैं खुद प्लेयरों के ऊपर बिलीव नहीं करूंगा और मैं खुद अपने एक दो मैचों के बाद मेरी अपना डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस आ जाएगा, तो जितने भी ड्रेसिंग रूम में बैठे लड़के होंगे ना वो क्वेश्चन करेंगे, शायद मुंह पे ना करें, दिल में जरूर करेंगे, मतलब सेल्फ डाउट होगा तो 100%। और उन्होंने जो शादाब की बात की है, आई लाइक दैट कि हमें बैक करना चाहिए, बट इन सेम टाइम यू आस्क मी दैट क्वेश्चन कि वो एक बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, उसको उसका फिर बारी बनती है, सो ये बैलेंस बना के चलना पड़ता है आपको। और ये आई एम श्योर यू नो मिकी का एक्सपीरियंस भी है, यू नो लाइक ही मतलब उसने बड़े अच्छी अच्छी टीमों की कोचिंग की हुई है, तो आप जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जो वो कह रहे हैं आई होप ही मीन्स दैट एंड ही बिलीव्स दैट। क्योंकि फिर मैं अगली बात, जैसे ही आपने शादाब की बात की, मैं यूसुफ आपके पास आऊंगी, जब शादाब ने पहला वार्म अप मैच नहीं खेला और उसके अगले दिन प्रैक्टिस सेशन में शादाब केम टू द मीडिया और मीडिया से बात की, पहला ही सवाल सबका ये था कि आप तो फॉर्म में ही नहीं है, आपको क्यों नहीं वार्म अप खिलाया गया। सो ही सेट के मुझे रेस्ट दिया गया कि मैं बाहर बैठ के देखूँ कि गेम को मैं देखूँ और उसको अडेप्ट करूँ और वो करूँ, मगर उसको वार्म अप में बिठाना शादाब को, या तो आपको देखें बैक ऑफ द माइंड ये हो कि नहीं जी मेरी जगह खतरे में है,
तो मेरा हंगर बढ़ना चाहिए कि नहीं जी मेरे अगेंस्ट उसामा सामने खड़ा है, वो मेरी हंगर होगी तो मैं जाके वो करूँगा। मगर जब आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता ही है कि मैं तो फर्स्ट चॉइस हूँ, मैं अभी बैठा हूँ वार्म अप में बैठा रहा हूँ, मैंने खेलना तो उस दिन मैंने ही खेलना है, तो कैसे हंगर बढ़ेगी आपकी? अच्छा ये देखें, मुशी भाई ने भी बात की थी कि बाज़ का ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा गेम से थोड़ा दूर कर दें तब भी फ़ायदा होता है। दोनों को नहीं खिलाया था, फ़खर को भी और शादाब को भी। और ये ऑब्वियस है कि टीम मैनेजमेंट कैप्टन सब इन दोनों पे बहुत ज़्यादा एतमाद है, इसीलिए उन दोनों को रेस्ट दे के अगला ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खिलाया, क्योंकि इन्होंने फिर आगे मैचेस खेलने वर्ल्ड कप के, ये तो ऑब्वियस चीज़ थी, और इसीलिए उन्हें रेस्ट दी थी कि थोड़ा सा उसने भी कहा है कि मैं बाहर से देखूं कि क्या चीज़ मैं और बेहतर कर सकता हूँ। जिस तरह की बॉलिंग वो उसको भी देखा होगा, क्या नाम है हमारा बॉलर जो गया हुआ था उसामा का, वो क्या कर रहा है। बाद का अपने साथियों से भी सीखते हैं, दूसरी टीम के लोगों से भी सीखते हैं, बाहर बैठ के आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जैसे अभी मैं बैटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, हमने भी कई दफ़ा बहुत गलत शॉटें खेली, लेकिन इधर से देखना बहुत आसान है, बता भी रहे हैं बड़ी आसानी से, लेकिन जब आप खेल रहे होते हैं और चीज़ होती है, जब आप बाहर होते हैं और चीज़ होती है। तो शायद यही एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने उसको रेस्ट दी, और वो ख़ुद भी कह रहा है कि मैं बाहर से देखना चाह रहा था कि कौन सी चीज़ है जो मैं लैक कर रहा हूँ। और देखिए ओवर द ईयर उसने बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई है पाकिस्तान के लिए, नो डाउट अबाउट, और अगर उसको मौका दे रहे हैं ये भी अच्छी चीज़ है। और आपके पास 9 मैचेस हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये एक दो मैचेस में, दो तीन मैचेस में नहीं देता तो टीम मैनेजमेंट ऑब्वियसली उसको चेंज करेगी। और 9 मैचेस में अलग अलग कॉम्बिनेशन खिलाने पड़ेंगे, बिकॉज एज वी स्पीक फर्दर एक जो अपडेट है वो मेरे जहन में अचानक से आ गई है। हम शुभमन गिल की बात कर रहे थे, शुभमन गिल इज आउट फ्रॉम द फर्स्ट मैच ऑफ इंडिया, दैट इंडिया वुड बी प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आई बिलीव, और ऑस्ट्रेलिया के मैच के अगेंस्ट शुभमन गिल वुड नॉट बी अवेलेबल बिकॉज उनको डेंगू वायरस हुआ है। अभी तक तो ये सर्टन नहीं हुआ है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, मगर ये है कि ही वुड नॉट मेक इट फॉर द फर्स्ट टू गेम्स। और ऑस्ट्रेलिया के स्टोइनिस भी इंजर्ड हो गए हैं। यस, दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस की भी ये खबर आई है दैट ही इज इंजर्ड एज वेल। सो ये इंजरीज की खबर तो आ रही है, मगर फिर वही हम उसी फिर वही कॉन्वर्जेशन पे घूम के आ जाते हैं, बैकअप बैकअप बैकअप। वहाँ टीम इंडिया की अगर आप बात करें, वो ऊपर ईशान किशन को खिलाते रहे, वो ओपनिंग में केएल को भी ओपनिंग का एक्सपीरियंस है, ईशान को भी ओपनिंग का एक्सपीरियंस है, अगर तो शुभमन गिल अचानक से उस मिक्स में से गायब हो गए, दे हैव एन ऑप्शन जिसको वो लगातार खिलाते रहे हैं कि वो आए और वो कहते हैं ना ऑटो प्ले कॉपी पेस्ट आप कर लें और आके प्लेयर शुरू हो जाए। इसमें जो मुझे लगता है कि राहुल ड्राइविड ने जो अंडर 19 में बहुत काम किया है, उसमें जो उसने किया था, जो मुझे नज़र आता है जो उसकी अंडर 19 की टीम में भी मैं देखता रहा हूँ, वो 40 या 45 प्लेयर उसने लिए थे सारे इंडिया से, उनको रोटेट करता रहा। जब बड़ा टूर्नामेंट आता था जो उनको नज़र आता था कि ये हमारे मेन प्लेयर हैं, उनको वो खिलाता था। अगर आप देखें उसने कितने प्लेयर उसके टाइम पर हैं, जीते भी हैं, अभी भी उसने यही किया है। अब आप देखें वो रोटेट करता रहा, जहाँ हल्की टीमें आती थी वेस्ट इंडीज़ या बांग्लादेश या कोई भी, उधर वो रोटेट करता था, दूसरे प्लेयर्स को चांस देता जिन पे नज़र थी उनकी फर्स्ट क्लास के, या रणजी ट्रॉफी जो उनकी होती उधर से जो प्लेयर परफॉर्म किए हुए थे, कितने लड़कों को उन्होंने खिलाया, कितने बॉलर्स को खिलाया उन्होंने। और देखें जब एशिया कप आया वर्ल्ड कप से पहले, एकदम उन्होंने अपनी सारी टीम सेटल टीम जो है वो दुनिया के सामने, क्योंकि उससे पहले वेस्ट इंडीज़ में ये खेले हैं, हारे हैं, लोगों ने कहा जी इंडिया ख़त्म हो गई, इंडिया के पास कुछ नहीं है, हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में वो हमें लग रहा था ना सबको बाहर दुनिया को, लेकिन ऐसा नहीं था, वो अपनी टीम बना रहे थे। और राहुल ड्राइविड उन सबको पता है, पूरा इंडिया उसकी रिस्पेक्ट करता है, प्लेयर्स रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने उसकी बात सुनी है, सब ने, कैप्टन्स ने, मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने, जैसे जैसे वो मिलके चले होंगे, ऑब्वियसली कैप्टन और कोचेज मिलके ये काम करते हैं, उन्होंने मिलके प्लान किया सब ने, और उसकी जो भी चीज़ें वो देता था, सजेशन देता था, उस पर उन्होंने अमल किया है, आज उनकी टीम बनी हुई है। और जो आम बात जो मुशी भाई भी करते हैं कि हमारे लेजेंड्स को भी जाना चाहिए, हाईली पेड कॉन्ट्रैक्ट था अंडर 19 के लिए भी, ये भी एक रवायत थी कि अच्छा आप पे करेंगे तो सब लोग जाएंगे। सर देखिए उसकी एक वर्थ है ना उस प्लेयर की, वो कितना उस इंडिया में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वो टेस्ट क्रिकेट में, ये तो एक्सपेक्ट ही ना कर सकते हम उन्हें कुछ ना दें और वो सब कुछ छोड़ के मुकम्मल काम यहाँ पर करें, तो ये भी तो जरूरी है ना कि हम रिस्पेक्ट इस अंदाज से भी दे सकते हैं अपने लेजेंड्स को, क्योंकि हमारे लेजेंड दुनिया भर में जाके कोचिंग कर रहे हैं और अच्छा माशाल्लाह उनको पे किया जाता है वहाँ पर, तो हम इसकी कदर क्यों नहीं करते। बहरहाल ये डिस्कशन तो हमारी सवेरा जारी है, एशियन गेम्स वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं दोबारा वापस आना चाहता हूँ। वो जो रोटेशन की ये बात कर जी
बिल्कुल, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने लड़कों को रोटेट करें, मगर हम एशियन गेम्स भी, मुशी भाई मैं आपकी तरफ जरूर आऊंगी, मतलब सेंडिंग आसिफ अली एंड खुशदिल शाह फॉर द एशियन गेम्स, ठीक है वहाँ की अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, 55 मीटर की बाउंड्रीज है, मतलब आप क्या 2024 के वर्ल्ड T20 के लिए जगह बनवाने के लिए आसिफ अली की वहाँ भेज दिया गया कि आसिफ अली उस 55 मीटर की बाउंड्री पे 12 छक्के मार देंगे तो ही विल बी बैक इन द टीम, मतलब मुझे ये थॉट प्रोसेस आप समझा पाएंगे, आपको समझ आती है ये थॉट प्रोसेस, व्हाई आर दे इन दैट टीम? पहले तो बात ये हमें क्लियर करना पड़ेगा कि आसिफ, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, यू नो जो भी पाकिस्तान से खेलता है उनकी हमें कदर करनी चाहिए, आसिफ हो गया, खुशदिल हो गया, जब ऐसी सिचुएशन में आप एशियन गेम्स में ए टीम में ऐसे प्लेयर्स को भेजते हैं तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि दे आर स्टिल इन लूप, मतलब अगर कोई ऊपर से इंजरी होती है या कोई ये ही वापस आएंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो कितने कम बैक करवा चुके हैं खुशदिल को और आसिफ अली को, हम बिल्कुल हाउ मेनी टाइम दे गॉट ड्रॉप एंड दे कम बैक, लॉट्स ऑफ टाइम, सो इट मींस वी आर नॉट श्योर अबाउट देम, ना फिर उनके ऊपर भी ज्यादती है, उनके साथ भी 2-4 मैच दिए, एक सीरीज दिए, फिर उनको ड्रॉप कर दिया और फिर आप एशियन गेम्स में भेज रहे हैं, ये जब तक हम हार का डर नहीं निकालेंगे, जैसे यूसुफ ने कहा है अंडर 19 लेवल के ऊपर ड्राइवर ने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो सीरीज हार के आए हैं अपने, मगर जब डेवलपमेंट की बात आती है वेयर योर यंग पीपल, वो क्या नाम है उसका जो एक लड़का है अबू हरारा, आई थिंक स्कोर लॉट्स ऑफ रन, हसीबुल्लाह, वेयर इज हसीबुल्लाह, वेयर इज आजम खान 2020 में, वेयर आर द फोर पीपल, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है ना, वेयर आर दे, दिस इज द क्वेश्चन टू आस्क, यू नो साइम यूब ने, मगर आपने बात की, अब आपने क्योंकि आजम को मेंशन कर दिया, यस आजम इज प्लेइंग लीग्स राइट नाउ, मगर एक फिर वही सवाल आता है हमारे सिस्टम का सवाल, हमारे यहाँ कायदे आजम ट्रॉफी हो रही है इस वक्त, हमारे यंगस्टर्स अगर बाहर जाके इस वक्त लीग्स खेल रहे हैं, सो बोर्ड का भी यहाँ मसला है, यहाँ एक इंडिविजुअल का भी मसला है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, डू दे वॉन्ट टू प्ले द डोमेस्टिक एंड और डू दे वॉन्ट टू प्ले द लीग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, येस दे आर हाईली पेड, हर बंदे को अपनी वेल बींग का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, मगर क्या आप लॉन्गर रन में पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं तो आपने क्या डोमेस्टिक खेल के लॉन्गर फॉर्मेट खेल के अपने आप को पक्का करना है या आपने दुनिया भर में जाके लीग्स खेलने? आप बड़ा सिंपल सवाल है, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट कहाँ गई? Exactly. वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट लेते ही नहीं है कि खिलाना खिलाओ नहीं ना खिलाओ, ये आती है सारी गेम कम्युनिकेशन की, जो इंग्लैंड वाले करते हैं, साउथ अफ्रीकन करते हैं, वो मकैरम को कहते हैं, वो डेविड मिलर को कहते हैं, राइली रूसो को कहते हैं कि भाई हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपका लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट क्लास का, ये आपने खेलना सीजन और हम आपको देख रहे हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे यू विल बी इन द पाकिस्तान साइड और यू विल बी इन द नेशनल साइड, जब आपकी कम्युनिकेशन और ऐसा लिंक बन जाता है प्लेयर को, प्लेयर का दिल नहीं करता वो पाकिस्तान से खेले, किसका दिल नहीं करता, क्यों लीग खेलेगा, ठीक है थोड़े पैसे वो छोड़ेगा, क्यों नहीं छोड़ेगा, मॉर्गन ने $5 लाख छोड़ के इंग्लैंड की कप्तानी की और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्यों? क्योंकि उसके साथ बैठ के 1-to-1 बात हुई है, कम्युनिकेशन हुई है एंड दे बैक द वर्ड्स अप। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लेयर्स को आप डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं दे, है ही कुछ नहीं, आप देखें ना मटेरियल चाहते हैं, मुझे डर लगता है कई दफ़ा कि अगर ये सिस्टम हमारा कैरियर ऑन हुआ, 4 लड़के हमारे मेन प्लेयर छोड़ के अमेरिका चले गए अमेरिका से खेलने के लिए, जिसमें वो समी असलम है, हमाद आजम है, कितने लड़के गए हैं और अनकरीब वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारी बारी नहीं आनी, फर्स्ट क्लास हमें खिलाते कोई नहीं है, पैसा है कोई नहीं है, ये प्लेयरों की बेचारों की थोड़ा टाइम होता है, मैं प्लेयरों की तरफ से बोल नहीं रहा मगर ये रियलिटी है, नहीं ये बोलना चाहिए प्लेयरों की, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफा कहते हैं नेशनलिज्म के ऊपर हमें सब कुछ, यार उनको आप गोरों को जब देते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट लंबा लंबा, आई हैव नो इश्यूज, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव हियर, आप जो बंदा डिजर्व करता है उससे ज्यादा दो, एग्जैक्टली, पर क्या यूनुस खान वो डिजर्व नहीं करता जो मिकी आर्थर डिजर्व करता है? बिल्कुल, क्योंकि 10,000 स्कोर किसने किए? क्या यूसुफ डिजर्व नहीं करता? क्या सुक्लैन मुश्ताक डिजर्व नहीं करता? बिल्कुल, फिर जब अपने बंदे आते हैं तो उनको आप मोल्ड करते हो और फिर वैसा रिजल्ट चाहते हो, ये तो उस असूल नहीं है, इतना फर्क होता है कि आप जब अपने बंदे आते हैं तो उनको डिक्टेट करते हैं, मगर जब बाहर से कोई कोच आता है तो वो आपको डिक्टेट करता है और आप डिक्टेट होते हैं, ये चेंज ऑफ एटीट्यूड है। मुझे आप पूछे ना, अल्लाह का शुक्र है, चलो इस प्रोग्राम के तवसल से खुल के बात करते हैं, हम बाहर दुनिया में जाते हैं, हम अपनी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मैंने इंग्लैंड के साथ 6 साल किया, वेस्ट इंडीज के साथ किया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लीग्स के, जो एज ए कोच में हम जाते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट हमारा अपनी मर्जी से लेते हैं, व्हाई? बिकॉज दे नो योर वर्थ, ठीक है, हमारे जो बाहर से आते हैं वी नो मे बी देयर वर्थ, बट डोंट यू थिंक सो आर पीपल
हमारे हीरोज हमारे एक्स क्रिकेटर्स घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात वो डिजर्व नहीं करते बिल्कुल, बिल्कुल वो डिजर्व करते तो उनको भी वही देना चाहिए। मैं क्यों बार बार रो रहा हूँ ये बात बार बार करता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में यूसुफ जाएगा, यूनस खान जाएगा, मिसबाह लक जाएगा, आपका हफीज जाएगा, आपका जितने भी जो कोचिंग जो कोचिंग करना चाहते हैं जिनका शौक है आप मुझे बताएं उनको पैसा दें क्या वो यूनस खान यूसुफ नहीं तैयार करेंगे? ड्राइवर ने किए नहीं ये पांच छह लड़के तैयार? बिल्कुल करेंगे, पिछले पांच सालों से तैयार नहीं किए हुए। एंड आई रिमेम्बर यूनस खान का तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक एच पे आके अटक गया था, वो थाई फाइनेंसिस की वजह से जो वो रुक गए थे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, द कॉन्ट्रैक्ट वाज अबाउट टू बी साइंड बाय हिम एंड देयर वाज दिस फाइनेंशियल इशू, एक स्लाइट से फाइनेंशियल इशू का, मगर यस वी नो यूनस खान व्हेन ही इज एंड ही वाज राइट दैट ही वाज स्टक एट इट। नहीं तो आप देखा अजहर महमूद है, आपका सकलैन मुश्ताक है, आपका उमर गुल है जो कोचिंग में आए हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में कोचिंग कर रहे हैं, आपका मोहम्मद यूसुफ एकेडमी का कोच है, आपका यूनस खान वांट्स टू बी अ कोच, ठीक है, और ये ऐसे प्लेयर हैं, ये छोटे प्लेयर नहीं है, ये बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। अगर ये जाके ग्रास रूट पे काम करेंगे क्या हमारे पौधे अच्छे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या हमें प्लेयर अच्छे नहीं मिलेंगे? इनकी स्टेक भी, इनकी अपनी इज्जत भी तो स्टेक पे लगी हुई ना, तो क्यों नहीं ये अपना एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए क्यों जाएं भाई? मुझे सिर्फ कई दफा कहते हैं और किसी को पता भी नहीं होता कि जो ग्रास रूट पे हमारे बड़े प्लेयर काम करके आए होते हैं, ये अंडर 19 के बच्चों के साथ यूसुफ काम कर रहा होता एकेडमी में। हाउ मेनी टाइम आई एम सॉरी टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली शोड टू द वर्ल्ड यू नो दैट्स अ ग्रेट गाय, ग्रेट बैट्समैन, हो इज अकेडमी का कोच है, असिस्टेंट कोच रह चुका है पाकिस्तान टीम में, बैटिंग कोच रह चुका है और ये अंडर 19 लेवल पे काम कर रहा है। कितनी दफा आपको और मुझे आपको ये नजर आया कि ये काम कर रहा है? नहीं नहीं कभी भी इसके क्यों? क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको इसके मैनेजेस नहीं मिलते, उनको पता है जब हाँ कोई प्रेशर पड़ेगा तो हम दिखा देंगे, देखा जी यूसुफ साहब को हमने रखा हुआ अंडर 19 लेवल के ऊपर, हमने ये रखा हुआ है, पर वो रखा हुआ है माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या है कि जी हमने सिर्फ चीजें ठीक नहीं करनी, सिर्फ खाना पूरी करनी है, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, नियत को चेंज करना पड़ेगा। आई एम सॉरी सम टाइम आई गेट वेरी अग्रेसिव बिकॉज ये हमारे मुल्क में बड़े टैलेंटेड लड़के हैं उनको अगर ग्रूम करना है तो उनके साथ माली अच्छे कोच लगा बिल्कुल करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा इस पे काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बातें बार बार ये बात करते हैं दैट सेटअप नीड्स टू बी बेटर। जहां हमने यंगस्टर्स की बात की, यंगस्टर्स का सबसे ज्यादा फोकस जो है ना वो फोर डे क्रिकेट पे होना चाहिए इंस्टेड के वो लीग्स बाहर जाके खेले, बट जाते जाते हमने अपडेट देनी है एंड साथ ऑब्वियसली स्पार्क्स की भी बात करेंगे, बट अपडेट हम देते चलें। अभी इस वक्त मैच में क्या हो रहा है बिकॉज इट इज पाकिस्तान वर्सेज नेदरलैंड और नेदरलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान बैटिंग करते हुए 97 रन 3 विकेटों के नुकसान पर एंड इट इज द 19th ओवर दैट इज गोइंग ऑन। उसी अंदाज से मैं चाहता हूं बताएं कि 3 विकेट्स हमारे गिर गई हैं ताकि नजर ना लगे हमें कि हमारी 3 विकेट्स गिर गई हैं, 97 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं ताकि हम ऐसे कर ले, ऐसे पुरानी विकेट दिखा रहे हैं। मैं हां बिल्कुल अटक पॉज हो गए अभी मैं। और जी sparks.pk आपने ये वेबसाइट को विजिट करना है, sparks.pk पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपने मोबाइल फोन्स और एक्सेसरीज खरीद सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। अगर आप कोई एक्सेसरी खरीदते हैं मैं मेंशन कर रहा हूँ इस वेबसाइट के थ्रू, अगर कोई एक्सेसरी खरीदेंगे तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद फाइनल के मौके पर आपको एक ग्रैंड प्राइज मिलेगा स्पार्क्स की जानिब से। बिल्कुल। सो इसी के साथ जो है वक्त यहाँ जोर का जोड़ का खत्म हो गया। वैसे हमारे सेट पे खुशबुएं फैल गई हैं बिकॉज जे डॉट के ये जो परफ्यूम्स हैं ये भी हमारे सेट पे मौजूद हैं। बुर्राक दिस इज अ न्यू परफ्यूम जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे जब 5 से 6 में आपके सामने हाजिर होंगे। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।